So we'll talk about Baolis of Delhi today. And I'm just waiting for everyone to join in. Okay, I think we have enough people online. We can start now. So आज का जो सेशन है वो बाउलीज के ऊपर है, दिल्ली की जो बाउलीज हैं. मेरी जो किताब है उसके अंदर मैंने 12 बाउलियों का जिक्र किया है. इट्स दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 सीरीज, जिसमें प्राइमरली हर कैटेगरी के 10 मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. पहली जो किताब है इस सीरीज में वो बाउलीज पर मैंने लिखी थी. लास्ट ईयर ये पब्लिश हुई थी और 10 प्लस 2 स्पेशल मेंशन इसमें डाले थे. इसके अलावा आज एक दो और बाउलियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस किताब के अलावा. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ बाउली. नाउ टिपिकली एनी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर व्हिच टेक्स यू टू वाटर हैज अ स्टेप, यू नो, हैज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प यू रीच द वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इज टू बी कॉल्ड अ बाउली और अ स्टेपवेल. लेकिन जो बाउली की शेप, साइज, आर्किटेक्चर हर जगह पे डिफर करता है. सो मोटा मोटा हमें यह ध्यान रखना है कि जमीन के नीचे पानी की नहर है, वहां तक पहुंचने के लिए अगर हमने सीढ़ियां बना ली या कोई रास्ता तैयार कर लिया तो उसको हम बाउली बोलते हैं. इसका जो टिपिकल आर्किटेक्चर, अगर मैं दिल्ली एरिया की बात करूं, अगेन हर रीजन के हिसाब से जो आर्किटेक्चर है उसका स्टाइल है, फॉर्मेट है, वो वेरी करेगा. यहाँ पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो एक कुआं बनाया जाता है, कुएं के आगे एक टैंक बनाया जाता है. जमीन के नीचे हमारे पास दो तरह के एक्वेफर्स हैं. एक हमारे पास कन्फाइंड एक्वेफर है, एक अनकन्फाइंड एक्वेफर है. कन्फाइंड एक्वेफर इज जो जमीन के नीचे, जिसे हम जानते हैं कि नहर चल रही है, इसको हम वाटर टेबल भी बोलते हैं. अनकन्फाइंड एक्वेफर बारिश के टाइम पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल है उसको भी रिचार्ज करता है और उसके ऊपर भी एक लेयर बनाकर रखता है जो जिसमें पानी भरा रहता है. ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो वो उसमें आ जाता है. जब कुआं खोदा जाता है तो कुआं जो है नीचे कन्फाइंड एक्वेफर तक खोदा जाता है ताकि उसमें पूरा साल पानी रहे. और जब टैंक बनाया जाता है उसके आगे, तो टैंक में ये चीज देखी जाती है कि टैंक जो है वो डायरेक्टली नीचे कन्फाइंड एक्वेफर तक ना जाए, वो कुएं में ओपन होता है छोटी सी विंडो के साथ. अब दिल्ली में ज्यादातर बाउलीज, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर बाउलीज हमें इसी आर्किटेक्चर पर मिली है. और इसमें होता यह है कि जो टैंक या जो बेसिन है उसके अंदर आप नहाने धोने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करते हो, कुएं में जो पानी है आप उसका पीने के लिए इस्तेमाल करते हो. टैंक का पानी कुएं में नहीं जा सकता लेकिन कुएं से पानी टैंक में आ सकता है. एक बहुत ही सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज होता है यहाँ पर, दैट सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जो कुआं है उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम है, तो सरफेस एरिया बहुत कम है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां से पानी टैंक में चला जाएगा. टैंक में क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ से पानी वापस फ्लो बैक नहीं कर सकता उस स्पीड से, या जो बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं, जो गंदगी टैंक में नहाने और धोने की वजह से, वो वापस नहीं जाती. अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो डेवलप हो गई, वो ये कि हफ्ते में कुछ दिन थे, जैसे अगर आप रोज सिर धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उसमें बालों में जब सिर धोते हैं तो उस जमाने में शैम्पू तो था नहीं, तो शिकाकाई, रीठा, आंवला, इस तरह की कई चीजों का इस्तेमाल होता था. तो मैं ये बता रहा था कि जो टैंक है उसमें जब नहाया जाता था तो बालों में हम जो भी लगाते थे उससे पानी पे एक चिकनाई की एक लेयर आ जाती थी. अब दिस इज समथिंग दैट आई हैव गेस्ड, आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, बट इट साउंड्स मोर प्रोबेबल कि लोगों को ये बोला गया होगा कि प्लीज सर्टेन डेज आप ऐसे रखिए जिस दिन आप बाल ना धोए, या सर्टेन डेज ऐसे रखिए जिस दिन कपड़े ना धोए, ताकि पानी जो है पानी में गंदगी ना हो. तो कुछ दिन, एक दिन हमें पता है कि इस दिन बाल नहीं धोए जाएंगे तो यहाँ पर पानी पे कोई चिकनाई की लेयर नहीं होगी, तो मंगलवार का दिन रख लिया, शनिवार का रख लिया, तो वो दिन जो है वो हम और किसी काम के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी चिकनाई की लेयर आई वो बैठ गई अगले दिन तक. तो फिर तो इस तरीके से उन्होंने जरूर अपना कुछ शेड्यूल तैयार कर लिया होगा. इसका जो अर्ली फॉर्मेट हमें मिलता है वो मोहनजोदड़ो के अंदर जब ग्रेट बाथ हमें मिला तो उसमें भी यही हमें प्रिंसिपल मिला, जो साइड में जो कुएं बने हुए थे, हालांकि वहां पर कुआं और टैंक कनेक्टेड नहीं है, कुआं अलग है, टैंक अलग है. धोलावीरा का केस ले लीजिए और जितनी जगहों पे लोथल वगैरह, हड़प्पा वगैरह, जहां पर भी हमें टैंक्स मिले हैं, स्टेप टैंक्स मिले हैं, उनको हम स्टेप वेल्स ही बोलते हैं.
लेकिन वो अंडरग्राउंड वाटर चैनल से कनेक्टेड है या नहीं है वो हमें नहीं पता, बाकी उनमें वाटर जरूर स्टोर किया जाता था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिल्ली की बाउलीज को स्टडी करते हुए मिली, अगेन दिस इज अबाउट दिल्ली, जो ये आर्किटेक्चर में बता रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो वहां पर यू विल फाइंड मोर स्क्वेयरिश, जिसमें वेल एंड टैंक आर द सेम, अलग अलग नहीं बनाए जाते, तो हर जगह के हिसाब से अलग आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, उनके अलग वहां के स्टाइल से प्रिंसिपल्स थे, कस्टम्स डेवलप हो गए थे बाउलीज के आसपास, जैसे वाटर स्ट्रक्चर्स का एक कस्टम मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कुछ साल पहले, कुछ नहीं आई थिंक इस बात को भी अब 15 साल से ऊपर हो गए हैं, तो 15-16 साल, आई वॉज इन पंजाब एट वन विलेज, तो वहां पर आई वॉज विद माई मदर एंड माई आंट माई बुआ जी, तो हम लोग सीढ़ियां उतर के बहुत नीचे जो पानी का टैंक था कुंड था वहां गए थे गुरुद्वारे में एक में, और दोपहर का टाइम था तो मैं, मेरी बुआ जी, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम चार लोग ही थे, तो दो बड़े थे दो बच्चे थे, और इतने में किसी के खांसने की आवाज आई बाहर से, दूर से ऊपर हाइट पर जहां उसकी दीवार थी जहां से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, सर्कुलर वाटर टैंक था ये, तो मेरी बुआ जी ने आवाज लगाई कि आप आ जाइए, मैंने पूछा कि आप ऐसे किसी को रैंडमली क्यों यहाँ पर बुला रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वहां पर खड़े होकर खांसा है, मतलब वो आना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि दोपहर के टाइम जेंट्स जो है वो पानी के पास नहीं जाते, क्योंकि दोपहर का जो टाइम है वो लेडीज के लिए रिजर्व होता है, तो दूर से कोई आवाज की जाती है, थोड़ा सा शोर किया जाता है, अगर वहां पर कोई लेडीज है तो वो आवाज दे देंगी कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अगर कोई आवाज नहीं आती तब वो जेंट्स वहां पर जाते थे, तब तक वो उस तरफ देखते भी नहीं थे, तो ये एक ऐसी चीज है जो न जाने कितनी सेंचुरी से चली आ रही है, और ये अभी भी अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। सो हर बावली कुआं या टैंक तालाब इसके आसपास एक अपना ही कल्चर डेवलप हो चुका था, जो हर एक इलाके का के लिए नेटिव था, और उसके साथ एसोसिएट होके कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस टाइम के साथ शुरू हो गई। अगर मैं आर्किटेक्चर के एक और एलिमेंट की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो ये कि जब हम बाउलीज के बारे में स्टडी कर रहे थे तो एक यूनिक चीज मुझे दिल्ली की बाउलीज के बारे में मिली कि इन सबकी जो डायरेक्शन है वो एक सारी सारी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, सबकी एंट्रेंस नॉर्थ से है साउथ की तरफ, जिन बाउलीज की साउथ से नॉर्थ की तरफ है, दो बाउलीज ऐसी हैं जिनकी साउथ से नॉर्थ की तरफ है, पुराने किले की बाउली और अग्रसेन की बाउली, इन दोनों के केस में टैंक के ऊपर एक छत बनी हुई है, यानी कि जो टैंक है वो ऊपर से कवर्ड है, और जिनकी नॉर्थ टू साउथ है उसमें टैंक ओपन है। देयर इज ओनली वन बाउली जिसमें ईस्ट और वेस्ट से एंट्रेंस है, वो है कोटला फिरोजशाह की बाउली, वो सर्कुलर है, बट वो वैसे भी ऊपर से कवर्ड थी, वो बंद थी, वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था ऊपर से पूरी तरह से बंद। तो काफी सोचा कि इसके बारे में क्या हो सकता है, कई आर्किटेक्ट से बात की, कई आर्कियोलॉजिस्ट से बात की, तो एक ही चीज समझ में आई कि हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं अर्थ के, और जब सन मूव करता है तो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, अगर हम टैंक जो है वो अपना साउथ की तरफ रखेंगे तो सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट टैंक के ऊपर नहीं पड़ेगी, एक क्योंकि जो डीपर पोर्शन है वो साउथ की डायरेक्शन में है और सूरज उससे और पीछे को है, तो सन रेज जो है वो डायरेक्ट अगर पानी पर नहीं पड़ेगी तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा तो पानी ठंडा रहेगा, उसके साइड में चेंबर्स बना दिए वो भी ठंडे रहेंगे, बाहर कितनी भी गर्मी हो आप अंदर जाके बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं, आपको आज की डेट में हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं और कितना और बढ़िया सेटअप है, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो यही वो टेक्निक्स थी जिनसे वो अपने इलाके को ठंडा रख पाते थे। तो बाउलीज जो है वो शाम के वक्त, सुबह के वक्त यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर बैठना भी शुरू हो गए, उसमें भी काफी वो काम आती थी, आसपास पेड़ लगा लिए जाते थे, हमारे पास कई रेफरेंसेस हैं, खारी बाउली का खास रेफरेंस आता है इस मामले में कि लोग इसके आसपास जो है वो इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये जो है ओरिएंटेशन जो बाउली की है, डायरेक्शन जो है, खासकर दिल्ली के मामले में और दिल्ली के आसपास के इलाकों के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या बाउलीज को रिवाइव किया जा सकता है या नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो फोटोग्राफ अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अग्रसेन की बाउली की है, और इस बाउली को रिवाइव कर ही लिया गया है, लेकिन इसमें पानी वापस नहीं लाया गया, पहले इसमें पानी आ गया था 1970s-80s में, इसमें पानी था, अब ये पूरी तरह से सूख चुकी है। उसका रीजन ये है कि आसपास जितनी कंस्ट्रक्शन हुई, जब बहुत गहरी गहरी फाउंडेशंस खोदी गई, यहाँ पर आप देखिए आपको आसपास कुछ नजर नहीं आएगा,
जब दिल्ली बनी इसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, फाउंडेशंस खोदी गई, तो जितने अंडरग्राउंड वाटर चैनल थे वो सारे पंचर हो गए और जितना उनमें पानी इकट्ठा हुआ हुआ था वो सारा यहाँ से निकल गया. विच मीन्स इफ यू हैव टू रिवाइव बाउली लाइक अगर से इनकी बाउली, तो आसपास के वो सारे वाटर चैनल्स को रिवाइव करना पड़ेगा, उनमें से जितने डैमेज हो चुके हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ इजी टास्क. कैचमेंट एरिया एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बाउली का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि पानी जो है वो आसपास जितनी कच्ची जमीन है उस पर गिरता है और वहां से पानी रिसता हुआ अंदर चला जाता है और नीचे टैंक में भर जाता है, कुएं में और टैंक में. अगर कैचमेंट एरिया ही नहीं होगा तो पानी जमीन के नीचे जाएगा कैसे? हमने सड़कें बना दी हैं, वेल कार्पेटेड रोड्स, इन सड़कों पर जितना भी बारिश से पानी गिरता है वो सारा का सारा जो है हम नालियों के जरिए, चैनल्स के जरिए गटर में ले जाते हैं और वो सीवर पूरा का पूरा बड़े नाले में चला जाता है और बड़ा नाला यमुना में जाके गिर जाता है. यानी कि हम शहरों के अंदर कहीं भी जमीन के नीचे पानी जाने ही नहीं दे रहे, तो पानी बाउलीज में, कुओं में वापस आएगा कैसे? चलिए मान लीजिए हमने किसी जगह पे अरेंजमेंट कर भी दिया, जैसे हमारे पास मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है और आसपास के कई एरियाज है, वहां पर रिवाइव कर सकते हैं. इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल पार्क के बगल में जो तीन बाउलियां हैं उनमें पानी वापस आ भी चुका है, लेकिन उसका फायदा क्या है? क्योंकि जो पानी गंदक की बावली, राजों की बावली जैसी जगहों में भरा भी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, पड़े पड़े वो पानी और ज्यादा खराब हो जाएगा. आपने बावली को डिसिल्ट कर दिया, सारे चैनल्स को रिवाइव कर दिया, जितना पानी वहां पर आया अगर उस पानी को वापस फेच करके रीयूज नहीं कर रहे हैं तो वो स्टैग्नेंट वाटर जो है वो कई बीमारियों को इन्वाइट करेगा. सो अगर ये थॉट है कि बावली को रिवाइव करना चाहिए, जी बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल विल चाहिए, बहुत जगहों पर आपको लैंड माफिया से भी फाइट करना पड़ेगा और एक बहुत जबरदस्त चैनल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा वाटर रीयूज करने का. मैं राजों की बावली का ही दोबारा एग्जांपल लूंगा. जो राजों की बावली है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आसपास आती है, उसके आसपास की सारी जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, DDA की है. अगर उसमें से पाइप डाला जाता है तो पानी फेच करके दिल्ली जल बोर्ड निकालेगा. अब ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो आ जाता है वो वाला एरिया बीच में कुछ आ जाता है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का है वो आ जाता है, जहां पर वैसे ही हमेशा फाइट चलती रहती है कि MCD कौन संभाल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट कौन संभाल रहा है. अगर अलग अलग पार्टीज उस पर रूल कर रही है तो उनकी आपस में टसल चल रही है, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं. तो जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर नहीं बैठेंगे सेंटर और स्टेट के, तब तक ये मसले सॉल्व नहीं होने वाले हैं. और इसमें फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, जो डिपार्टमेंट रोड्स बना रहा है उनको भी देखना पड़ेगा कि आप रोड्स में जो पानी बारिश से गिर रहा है उसको कैसे चैनलाइज कर रहे हैं, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बन रही हैं कि नहीं बन रही, छत पे बारिश से जो पानी जा रहा है आ रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है, एक एक चीज को प्लान करके चलना पड़ेगा. तो जो एग्जिस्टिंग हो चुका है उसको चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल बहुत है, और जो नया बनाया जा रहा है, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें हम इस चीज का जरूर ध्यान रख सकते हैं. और अब क्योंकि समझ में आ गया है तो आई थिंक हमें ऑलरेडी इसका ध्यान दे देना चाहिए. हाँ, आगे बढ़ते हैं, बावलीज की बात करते हैं जो दिल्ली में अब बची हैं. 30 से ऊपर बावलियां थी, 32 का नाम मैंने अपनी किताब में दिया ही है, उसमें से बची कितनी है उन पर नजर डालते हैं. सो आई विल गो बाय द ऑर्डर जो मैं अपनी बुक में भी फॉलो कर रहा हूँ. आई प्रिपेयर्ड अ ग्रेट मैट्रिक्स जिसमें उनके साइज, उनकी शेप, उनके अंदर कितना पानी कब कब रहा, क्या उनकी कंडीशन है, एक्सेसिबल है या नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर मैंने एक मैट्रिक्स तैयार किया था. तो उसके हिसाब से इन बाउलिस की ऑर्डरिंग की, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आया वो आया फिरोज शाह कोटला का. मैं खुद भी हैरान हो गया था, मुझे लगा था कि शायद अगर से इनकी बाउली टॉप पर आएगी या मे बी राजों की बाउली या मे बी लाल किले की बाउली, लेकिन आई फिरोज शाह कोटला की बाउली क्योंकि इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर वहां पर प्ले कर गया. दिस बीइंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो पाई आर स्क्वायर जब उस पर लगाया तो इसने एरिया के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया. कभी ये ऊपर से बंद हुआ करती थी. हमारे पास कुछ पुरानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, एक तरफ इसका साइड व्यू है कैसे इसके ऊपर दो छतरियां बनी होती थी, साइड से सीढ़ियां चढ़ती थी, चारों तरफ से इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे जो है वो फ्रंट साइड से क्रॉस सेक्शन बनाया गया. ऊपर जो छतरी है वो ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे के जो चेंबर है वो अंडरग्राउंड है, सेक्शन वॉल है. और जो टॉप व्यू आप देख रहे हैं, टॉप व्यू
टॉप राइट कॉर्नर पे, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि साइड से सीढ़ियां बनी हुई है नीचे जाने के लिए छतरियों के बिल्कुल बगल में, और फिर साइड में सेल्स और आर्केडेड एक स्ट्रक्चर पूरा वो बना हुआ है। तो ये है फिरोशा कोटला बावली जैसी ड्राइंग्स में नजर आती है, और ये है जैसी वो रियलिटी में नजर आती है। ऊपर की छतरियां टूट चुकी हैं, बीच में बस टैंक बचा है, और अब उसके अंदर एक जाली लगा दी गई है नीचे मेटल का वो पूरा, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे दो लोग ऊपर चढ़ के चल रहे थे, बीच में कुछ टाइम के लिए खोल दी गई थी बावली, तो वो स्लिप हुए और वो नीचे सीधे जाकर गिरे। उनको बचा लिया गया शायद, बट आई एम नॉट श्योर, आई थिंक किसी की शायद डेथ भी हुई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट। तो ये जो जाली लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है कि गलती से कोई इसमें अगर गिर भी जाता है तो उसको बचाया जा सके। टॉप राइट कॉर्नर में, बल्कि तीनों फोटोग्राफ्स में ही आपको नजर आएगा, इसमें पाइप्स डले हुए हैं, यहाँ से पानी फेच किया जा रहा है। तो दिल्ली में चार बावलियां ऐसी हैं जिनमें से पानी फेच किया जाता है और आसपास सप्लाई किया जाता है, उनमें से एक बावली है ये वाली, जिसका पानी आसपास के जो लॉन्स हैं उसी में इस्तेमाल किया जाता है। पाइप देखने में अगली लगते हैं, लेकिन और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को काट के उसके बीच में से अगर पाइप निकालेंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, और आप एक मॉन्यूमेंट को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। सो नो मैटर हाउ अगली दे लुक, द ओनली वे टू पुट पाइप अंडर वाटर इज बाहर बाहर से, और उनको फिर फेच किया जाएगा, तभी ये पानी रिवाइव होता रहेगा और ये पानी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ये उसके नीचे का है, जो पहली फोटोग्राफ है वो साइड से जो स्टेप्स नीचे उतरते हैं वो है। बॉटम राइट कॉर्नर पे जो फोटोग्राफ है वो भी वो नीचे से क्लिक की गई है, ऊपर से स्टेप्स उतर रहे हैं उसकी। और जो दोनों मिनारेट, दोनों जो छतरियां हुआ करती थी फिरोशा कोटला बावली पे, उनके नीचे इस तरह के पिलर बने हुए थे, अभी भी है ये पिलर। और किसी टाइम पर मैं यहाँ पर अंदर जाके पूरा साइड पे घूम चुका हूँ, लेकिन लास्ट जब मैं गया 2018 में 2019 में भी, दोनों टाइम पे मुझे यहाँ पानी भरा हुआ मिला। सो एक पॉइंट से आगे हम जा ही नहीं पाए, तो ये जो फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक किए हैं लास्ट स्टेप पर खड़े होकर क्लिक किए हैं, इससे आगे हम नहीं जा पाए क्योंकि इसमें पानी भर गया था। तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी मैंने इससे काफी नीचे भी पानी देखा, और मैं अंदर साइडों पे भी पूरा घूम चुका हूँ। ये 1923 की एक फोटोग्राफ है एएसआई की आर्काइव्स में से, तो तब से बावली अब ऐसी ही नजर आती है हमें। अब बात करते हैं लाल किले की बावली की। फिरोशा कोटला की बावली तुगलक के जमाने की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि लाल किले की भी जो बावली है वो भी फिरोशा तुगलक की ही बनाई हुई है, और इसके ऊपर एक डिबेट जो है वो चली आ रही थी कि ये एग्जैक्टली इसको किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा, क्योंकि इसमें अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत यूनिक है। डाउट होता है कि ये तुगलक के टाइम का, फिरोजाबाद जो तुगलक का शहर था, फिरोशा तुगलक का, वो यहाँ तक एक्सपेंडेड था, तो ये उसी इलाके में आता है। लेकिन इसमें जो मेसनरी है वो बहुत फाइन है। इसका लेआउट इज एल शेप्ड, दो साइड से सीढ़ियां उतरती हैं, उसके बाद एक टैंक है और साइड में वेल है, वेल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जिसके ऊपर एक कभी पर्शियन व्हील लगाया गया था, लकड़ी के फ्रेम वगैरह लगा के पानी फेच करने के लिए पूरा इंस्टॉलमेंट बना हुआ था, और साइडों में चेम्बर्स हैं, एक तरफ इसके प्रिजन सेल है। ये प्रिजन बाद में जाकर बना, आई जस्ट टॉक अबाउट इट, पहले आप किसी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। सो ये देखिए, जिस फाइन तरीके से पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ऐसा लगता है कि ये जरूर लोधी टाइम का रहा होगा, या मे बी उसके बाद मुगलों ने या सूरी डायनेस्टी ने इसको रिवाइव किया होगा। तो बहुत पक्के तरीके से कहना थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली किसने बनाया, कब बनाया, डिजाइन एलिमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। नारायणी गुप्ता मैम ने अपनी बुक में इसको तुगलक पीरियड का बोला है, जफर हसन ने इसको सूरी डायनेस्टी पठान पीरियड का बोला है, आगे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया, इवन ही इज नॉट श्योर ये कब का है, और बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं जिनको जिनसे मैंने जिनको मैंने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की। वाकयात दारुल हुकूमत दिल्ली बशीरुद्दीन अहमद, वो डेट पीरियड की बात ही नहीं करते हैं। और भी जितने हैं, जैसे सर सैयद की अगर आप बात करें, कोई मेंशन नहीं करते हैं कब 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 की बनी हुई है बावली, क्या है, तो कंफ्यूजन वो क्वेश्चन मार्क इस वाली बावली पर चला आता है। इसका इसमें जो कुआं है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं पहली बार यहाँ गया था 2012 में, सुहेल हाशमी साहब का मुझे फोन आया कि चलिए कल क्या करो, मैंने कहा सर फ्री हो गया, तुम लाल किले आ जाओ, लाल किले की बावली पूरी तरह से क्लीन हो गई है, तो के मोहम्मद साहब ने बोला है कि आके चेक देखिए एक बार आप लोग। तो सुहेल हाशमी सर, नारायणी गुप्ता मैम और मैं, हम तीनों वहां पहुंचे
और ये जो कुआं आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं तब की ही फोटोग्राफ है। अंदर जाके हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हुए, ये प्लेटफॉर्म अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है और बाद में ये प्लेटफॉर्म जब थोड़ा वीक हो गया था तो ये पाइप्स वगैरह लगा के उसको होल्ड किया गया है। तो जब हम यहाँ पर खड़े थे तो हमें साइड से पानी की आवाज आई, हमने ध्यान से देखा तो एक तरफ से दीवार में से एक छोटा सा होल है और उसमें से पानी निकल के अंदर गिर रहा है, एक स्पाउट बना हुआ। दैट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि मैंने, मुझे पता नहीं था कि कुएं में पानी भरता कैसे है, बाउली में पानी भरता कैसे है। बारिश कुछ टाइम पहले होकर हटी थी तो ग्राउंड वाटर लेवल काफी बढ़ चुका था, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर की मैंने पहले बात की उसमें पानी इतना आ चुका था कि कुआं और बावली ये बहुत गहरे हैं और साइड में पानी और ऊंचाई तक आ चुका है, तो साइडों से पानी निकल निकल के अंदर गिर रहा था। तो वो एक एक्साइटिंग चीज थी जहां से फिर मैंने इसको और डिटेल में पढ़ना शुरू किया। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो पहली पिक्चर है वो एक छोटा सा कॉरिडोर है, टैंक और बावली के बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है जिसपे आप चलकर जा सकते हैं दूसरी साइड के जो कमरे हैं वहां तक। इसमें जगह जगह सेल्स, चेम्बर्स, कमरे बने हुए हैं। दूर से देखने से ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है, वेरी ब्यूटीफुल मिरर्ड इमेज। एक कॉर्नर से जब आप क्लिक करते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। आसपास इंडियन आर्मी ने बिल्डिंग्स बना रखी थी, बैरिक्स बना रखी थी, वो सबकी सब हटा दी गई हैं। तो जब आप जाते हैं तो इसको आपको ये दूर से नजर आ जाती है। इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नौबत खाने से पहले ही आपको लेफ्ट टर्न करना होता है म्यूजियम्स के लिए, और म्यूजियम क्रॉस करके जो सड़क सलीमगढ़ को जाती है उस सड़क के ऊपर ये बावली नजर आती है। लाल किले के अंदर है ये लाल किला। लाल किले में डेली हजारों लोग हैं जो विजिट करते हैं, उनमें से शायद ही 10-15-20 होंगे जो इस बावली तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक आदत बना ली है कि जब भी हम किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं वी जस्ट गो टू द मेन स्ट्रक्चर जो ज्यादा फेमस है अंदर, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हमाम के बाहर बाहर से घूम लिया, ये रंग महल वगैरह देखकर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सावन भादो पेविलियन में भी इधर वाला जो पेविलियन है देख लेते हैं, दूसरी साइड के पेविलियन तक जाने का कष्ट ही नहीं उठाते, तो ऊपर ऊपर से देखकर हम लोग बाहर आ जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स कोनों में छुपी होती हैं, जगह जगह इतनी प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी डोंट गो देयर, वी डोंट ऑब्जर्व देम। दिस बावली इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड इट इज स्टिल एक्टिव। कुएं में से अभी भी पानी फेच किया जाता है, आसपास का जो पूरा एरिया है लॉन्स और वो सब उसमें पानी यहीं से जाता है। सो दिस इज रेड फुट बावली। 1945 में जब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे, शाहनवाज थे, गुरबख्श सिंह टिल्लो थे, प्रेम सहगल जी थे, इन तीनों जनरल्स को अरेस्ट करके यही रखा गया था। तो ये जो आप सामने फोटोग्राफ देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उसमें आर्चेस के अंदर ईंटें लगा के और ग्रिल लगा के उसको बंद कर दिया गया है और साइड में दरवाजा लगाया गया है, दरवाजा टूट चुका है। तो ये उनके लिए एक जेल बनाई गई थी, प्रिजन सेल बनाए गए थे। और इसके बिल्कुल आगे जो आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा एक वॉकिंग के लिए जो एरिया नजर आ रहा है, इसके ऊपर लोहे के गर्डर्स रख के, ऊपर प्लैंक्स रख के इसको पूरा सील कर दिया गया था। यानी जब आप ऊपर से उतरते थे यही जो लेवल था ये एक फाइनल लेवल माना जाता था, और इसके अंदर साइड से कॉरिडोर से आप पिछले कमरों में जा सकते थे। जगह जगह सेल्स बना दिए थे, अंदर ही टॉयलेट का भी अरेंजमेंट कर दिया था सब कुछ, और कुछ टाइम तक उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था। उसके बाद यहां से निकाल के इनको सलीमगढ़ किले में ले गए, जो इसके बिल्कुल पीछे सलीमगढ़ का किला है, वहां पर एक टेम्परेरी जेल बनाई गई उनके लिए, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। एक कोर्ट रूम बनाया गया, एक बैरक बनाई गई, ये तीन बिल्डिंग्स अभी भी हैं। और इनके अंदर फिर उनका ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद जब भारत की आजादी होगी, 1947 तक ट्रायल चल रहा था, तो लाल किले का ट्रायल इज क्वाइट फेमस। आजादी के बाद जाहिर सी बात है इन लोगों को जेल से निकाला गया, इन्होंने अपना जो सारा सामान है वो डोनेट कर दिया। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लान किया था कि इसी बावली में इनका मेमोरियल और एक म्यूजियम बनाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर सांपों का बहुत डर था और ये बहुत ज्यादा सेफ जगह नहीं थी उस टाइम पे, अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई थी, तो म्यूजियम जो है वो सलीमगढ़ में बना दिया गया। अभी भी है, आजकल बंद है क्योंकि रिस्टोरेशन चल रही है। इसको जब क्लीन किया गया तो इसमें कूड़े का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ था, बिकॉज ब्रिटिश आर्मी आखिरी के दिनों में और इंडियन आर्मी उसके बाद एक ऑलमोस्ट फॉर 3-4 decades अपना सारा गार्बेज यहीं पे फेंके जा रहे थे। उनके लिए बस एक गहरी पिट थी जिसमें पानी को तो बंद कर दिया गया था, गर्डर्स और ऊपर प्लैक्स रख के उसके ऊपर एक पूरा डंपिंग बिन बन गया था। कुआं साइड पे सेफ था, वहां से पानी फेच हो रहा था, तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, बाकी सिर्फ एक बड़ा खड्डा था। तो जब ये सारा जो गार्बेज इसमें पड़ा हुआ था कई ट्रक्स भर के निकाला गया, तो नीचे से पूरी क्लीन और इतनी बढ़िया जो बावली है वो निकल के आ गई।
अब इसके अंदर ग्रिल भी लगा दी गई है ताकि कोई इसमें गिरे ना. इसमें भी हादसा हो चुका है, समवन फेल इन बट उनको बचा लिया गया था. और इसके सेंटर में जो टैंक है वो फर्दर स्टेप्ड है और अंदर की तरफ ऐसे रिड्यूस होता जाता है. इसकी कोई आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफ मुझे नहीं मिली है. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये किसी जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी इसका जिक्र ज्यादा नहीं मिला मुझे. बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इसका जिक्र आता है, पुराने अंग्रेजों के टाइम से जो पहले के मैप्स हैं उसमें और अर्ली डेज ऑफ ब्रिटिश उनके जो मैप्स हैं उसमें जिक्र जरूर आता है. बाद के मैप्स में 1900s के जो मैप्स हैं उनमें मुझे बावली नहीं मिली है. सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ये, तो बावली का जो कुआं है, कुएं की दीवार थोड़ी सी ऊंची है और उसके साइड पे आर्चेस बनी हुई है. एक आर्च में मंदिर है और एक आर्च में किसी की कब्र है, दरगाह चल रही है छोटी सी. एंड दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग क्योंकि दोनों साथ साथ बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स और बिल्कुल बगल बगल में दोनों में जो है वो प्रेयर हो रही है दोनों फेथ की. माय अजम्पशन इज कि इंडियन आर्मी के टाइम पे ये चीज डेवलप हुई होगी, लेकिन अगेन इसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिला मुझे. बस वहां पर जाने पर ये देखने को मिला, कहीं लिखित में नहीं मिला. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल और एनीबॉडी टू टेल ये कब बने, किसने बनाए और ASI इंडियन आर्मी इनको मेंटेन कर ही रही थी. अब कैसे इनको मेंटेन किया जा रहा है दैट्स इंटरनल मैटर, हाउ ASI एंड CISF दीस गाइस आर मैनेजिंग, बट आई नो दैट लोकल स्टाफ डज कम हियर. अब बात करते हैं रिज बावली की. रिज बावली जो है वो बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल उसके अंदर जो अभी नई बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की उसके बिल्कुल पीछे और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के सामने. सो न्यू विंग एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के बीच में बस ये बावली ही एग्जिस्ट करती है. एंड दिस इज अनदर बावली ऑफ फिरोजशाह तुगलक. तो अभी तक जो टॉप 3 नंबर पे जो बावलियां आई हैं वो फिरोजशाह तुगलक की ही आई हैं. ये भी फिरोजशाह तुगलक की एक बावली है और आयने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने ये कहा है कि ये जो बावली है कुश्क-ए-जहानुमा वाज वन ऑफ द पैलेसेस ऑफ फिरोजशाह तुगलक और इस एरिया में कहा जाता है कि उसका पैलेस हुआ करता था. कुश्क-ए-जहानुमा में यह बावली उसने बनवाई थी जिसमें एक बहुत ही बड़ी टनल थी जिसमें वो घोड़े पर बैठ के और बाकायदा अपने लाव लश्कर के साथ कुश्क-ए-जहानुमा से कुश्क-ए-फिरोजशाही यानी कि फिरोजशाह कोटला तक टनल के जरिए आ जाता था. अब सुनने में बात बहुत बड़ी लगती है. तो अंग्रेजों के दौर में इसकी जब बावली की क्लीनिंग हो रही थी तो उनको एक टनल मिली भी और उन्होंने उस टनल को क्लीन करके अंदर जाने की कोशिश की. कुछ दूरी तक वो अंदर गए भी और फिर उनको उन्होंने देखा कि दीवारें जो काफी कमजोर हो रही हैं, इससे आगे अंदर जाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको फिल कर दिया एंड दे केम आउट. हाउएवर एट ईच पॉइंट दे रिकॉर्डेड साइज डेप्थ स्टाइल एवरीथिंग दे हैव मेंशन. मैंने अपनी किताब में उसकी पूरी डिटेल भी दी है. उन्होंने ये बहुत क्लियरली लिखा है कि कई कई जगहों पे छत जो है वो सिर्फ 4 feet ऊंची है यानी कि आप उसमें खड़े भी नहीं हो सकते हो. विच ऑल्सो मीन्स कि अबुल फजल ने या तो बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा या फिर वही कि सुनी सुनाई बातें एंड दे जस्ट रोट इट. कहानियां चली आ रही थी बट एक्चुअल में किसी ने उसको देखा नहीं था. तो 4 feet ऊंचा मतलब कि एक आदमी मेरे हाइट का भी पूरा खड़ा नहीं हो सकता, आपको झुक कर जाना पड़ेगा. तो उसमें वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट्स रखी गई हैं, जगह जगह दरवाजे बने हुए हैं, कहीं पे छत ऊंची हो जाती है कहीं पे थोड़ी नीची हो जाती है, छत के अंदर प्लैंक्स डाले गए हैं उसको छत को होल्ड करने के लिए, स्टोन के बीम्स डाले गए हैं. तो वो पूरा का पूरा जो डिटेल है जितने डेप्थ तक ही वो लोग अंदर गए वो डिटेल हमारे पास अवेलेबल है मेरी बुक में विद साइजेस एंड ऑल. आई हैव मेंशन्ड दैट आल्सो. इसकी जो अभी मौजूदा जो एंट्री है वो फिर नॉर्थ से ही है, घूम के दो साइड से फिर स्टेप्स नीचे उतरते हैं. साइड में जो चेंबर्स बने हुए हैं वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो हम सिर्फ उसको दूर से ही देख पाते हैं, बट वो बहुत छोटे ओपन है तो दूर से नजर भी आ जाता है कि उनमें क्या है. जब मैं यहाँ पर पहली बार गया था तो मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर्स की फोटोग्राफ उस टाइम पे ही खींची थी. हल्की सी मॉडिफिकेशन आपको अब नजर आ जाएगी खासकर राइट साइड वाले पे. लेफ्ट साइड पे इट्स पीर गायब जिसको कहा जाता है कि फिरोजशाह तुगलक का जो कुश्क-ए-जहानुमा है ये उसी का पार्ट अब बचा हुआ है. एक ऑब्जर्वेटरी है और एक कहानी ये पैदा हो गई कि कोई पीर यहाँ रहा करते थे वो गायब हो गए तो इसका नाम पीर गायब पड़ गया. बगल में जो बिल्डिंग है वो बाड़ा हिंदू राव है, हिंदू राव का हाउस जिसमें बाद में अंग्रेज अफसर भी रहे. 1857 के अंदर इसको काफी डैमेज भी हुआ और जबकि मेरी फोटोग्राफ खींची हुई है उस टाइम पे ये प्लास्टिक वार्ड हुआ करता था हिंदू राव हॉस्पिटल का. आज की डेट में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेल है,
और जो क्लासेस है वो लगती है, तो एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज की तरह इस विंग को यूज किया जा रहा है. दिस इज व्हाट आई सॉ इन 2011. ये बावली इस हालत में थी, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई थी, बहुत ही बुरी हालत में थी और हम दूर दूर से ही बस इसको देख सकते थे. उसके बाद ASI ने इसको रिस्टोर किया, अब ये बावली कुछ ऐसी नजर आती है. सो दिस इज रिच बावली एज रिकॉर्डेड इन ASI रिकॉर्ड्स इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू राव हॉस्पिटल इन द नॉर्दर्न रिज दिल्ली. वो टनल एग्जैक्टली कहां पर है उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी आर्च के नीचे क्या था. और अब तो ये सारा एरिया सील्ड है, सब दीवारें वगैरह सील उन्होंने तभी कर दी थी. सो वी हैव नो आइडिया विच वन इट इज. अब बात करते हैं हजरत निजामुद्दीन बावली की. ये बावली शायद दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे फेमस बावली है, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि जब ये बावली का काम चल रहा था तभी तुगलक अपना किला तुगलकाबाद बनवा रहा था, और उसने सारी लेबर को जो है वो तुगलकाबाद में बुला लिया. तो हजरत निजामुद्दीन कहने लगे कि आप कोई बात नहीं, आप हमारा काम जो है वो रात को कर दीजिए बावली का. और एक दिन एक कारीगर को देखा किसी फोरमैन ने कि वो सो रहा है दिन में ड्यूटी पे. पूछा तो पता चला कि रात को काम कर रहा था इसलिए दिन में नींद आ गई, आंख लग गई. अब ये बात तुगलक तक पहुंची, उसे बहुत गुस्सा आया. तो उसने क्या किया, उसको जल्दबाजी थी काम खत्म करवाने की तुगलकाबाद का, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि लेबर कहीं और अपना टाइम या एनर्जी लगाए. तो उसने क्या किया, उसने फटाफट ऑर्डर किया कि शहर में तेल पर पाबंदी लगा दी जाए. अब तेल पर पाबंदी लगने से क्या हुआ, रात को चिराग नहीं जलेंगे, दिए नहीं जलेंगे, तेल नहीं होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरे में काम नहीं हो सकता. तो इस पर कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था, या रहे हिज्जर या बसे गुज्जर, या इसका दूसरा एक वेरिएंट है, या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर, कि जो तुगलक ये किला बनवा रहा है वो उजड़ा रहेगा या उसमें भेड़ बकरियां चराने वाले बसेंगे. एक और वर्जन इसी स्टोरी का हमें यह मिलता है कि एक सूफी संत हुए हैं शेख महमूद बहर, उनको हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खत भेजा या संदेशा भेजा कि ऐसे ऐसे तुगलक हमें परेशान कर रहा है. तो वो एक दीवार बना रहे थे, तो उन्होंने उस दीवार को गिरा दिया और बोला कि मैंने इस तुगलक का जो राजपाट है ये तबाह कर दिया है. तो कई वेरिएशंस हैं, कई स्टोरीज के एसोसिएटेड हैं. बहरहाल ये जो बावली है ये दिल्ली की बाकी बावली से आर्किटेक्चर में थोड़ी सी अलग है. जैसे तुगलक दौर की पहली तीन बावलियां मैंने दिखाई, जिसमें लाल किले की बावली में कुआं अलग है, टैंक अलग है और दो साइड से सीढ़ियां आ रही हैं, लेकिन फिरोजशाह कोट और हिंदू राव में कुआं अलग नहीं है, टैंक ही कुआं है. इस केस में भी टैंक ही कुआं है. अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो टॉप व्यू है, सामने से सीढ़ियां उतर रही हैं टैंक की तरफ, और सीधे आके जो सर्कुलर है वो सर्कुलर में भी स्टेप्स आपको मिल जाएंगे. नीचे लकड़ी का फ्रेम, जो कुआं बनाने के लिए लकड़ी के फ्रेम्स लगा के फिर खुदाई करते थे, वो जब इसकी सफाई की गई तो तब वो मिल गया था. और अगेन इन दिस केस टैंक एंड वेल आर द सेम. साइड पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ज्यादातर टूट चुकी हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं. अंग्रेजों के दौर में ये बावली कुछ ऐसी नजर आती थी, क्योंकि निजामुद्दीन फाजा की जो दरगाह है वो बहुत ही मशहूर रही है, तो यहाँ पर अक्सर बहुत लोग आया करते थे. अंग्रेजों ने भी यहाँ बहुत फोटोग्राफी की है. 1902 से लेके 1919 तक की फोटोग्राफ्स आपको सामने नजर आ रही हैं. 1910 और 11 में जो पेंटिंग्स अंग्रेजों के टाइम की बनी है वो ASI रिकॉर्ड से जो मुझे मिली वो यहाँ पर मैंने दिखाई है. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो 1916 की फोटोग्राफ है उसमें आप ध्यान से देखिए, आपको एक लैंप पोस्ट नजर आ जाएगा. अभी यहाँ पर दीवार हो चुकी है, बहुत छोटा सा एक्सेस ही बचा है. 1902 में हालत काफी खराब थी, बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, जो 1919 तक वैसी ही टूटी हुई नजर आ रही है. लेकिन आज की डेट में देखें तो उनमें से कुछ हद तक एक बिल्डिंग को रिपेयर कर दिया गया है और आगे का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म करके एक मॉडर्न बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन नीचे का कुछ पोर्शन है जो अभी भी बचा हुआ है. मैं वापिस पीछे जाता हूँ. इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 1916 की फोटोग्राफ पर आप ध्यान दें तो पीछे जो 5 आर्चेस है वो बंद नहीं है या इस केस में, लेकिन आज की डेट में उनमें जाली लगा के उनको बंद कर दिया गया, वहां से कोई गिरे ना प्रोटेक्शन के लिए प्रोबेबली. सो कभी किसी जमाने में वो खुली हुआ करती थी. इसमें एक स्लैब हुआ करती थी, स्टोन की स्लैब, जो पीछे जो आर्केड है
जहां पर अभी कई लोग बैठते हैं उसके दूसरी तरफ दरवाजा है दरगाह से बाउली की तरफ आने के लिए। तो वहां पर एक स्टोन की स्लैब लगी होती थी, वो स्लैब अब एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन एक खाली मार्क जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें वो स्लैब हुआ करती थी, जिसमें इसके डिटेल्स कुछ है, जब जिसने भी इसको रिपेयर करवा के आसपास इसमें घर बनवाए वो डिटेल्स थी। अगेन इन माय बुक आई हैव गिवन ऑल दोस डिटेल्स, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाउली, बिकॉज सर सैयद अहमद खान के टाइम पे वो स्लैब एग्जिस्ट करती थी, तो उसकी जो ट्रांसलेशन है स्लैब की, नॉट बाउली, स्लैब की जो ट्रांसलेशन है वो वी वर एबल टू गिव हियर। One of the most famous Baolis of Delhi, Agrasen ki Baoli, specially after the movie PK. So, is ye jagah jo hai, ye jo aap ek shot dekh rahe hain, ye bahut zyada purana nahi hai. Isme do teen log nazar aa rahe hain aur agar PK movie se pehle aap jaate to itna bhi shayad nazar nahi aata. Khali padi hua karti thi ye Baoli. Mujhe lag raha tha ki ye shayad Delhi ki sabse badi Baoli aur sabse gehri Baoli hogi jab tak maine purane kile ki Baoli ko nahi dekha. और दोनों केसेस में हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आज की डेट में अभी नहीं है जो मुझे मिली हुई एसआई से कि एग्जैक्ट इनकी डेप्थ क्या है, तो ऑब्वियसली उनके रिकॉर्ड्स में जरूर पड़ी होगी, बट आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट, सो मैं श्योरिटी से नहीं बता सकता कौन सी ज्यादा गहरी है कौन सी नहीं। स्टेप्स वगैरह ही काउंट करके बताए जा सकते हैं, इस केस में 108 स्टेप्स हैं, फिर आगे एक टैंक है, टैंक के ऊपर छत बनाई हुई है, उसके पीछे कुआं है और साइड में जो है दीवार में आर्चेस हैं, चेम्बर्स हैं, साइड से सीढ़ियां हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, तो सीढ़ियां इसकी दीवार के अंदर अंदर से हैं। नीचे की तरफ मॉस्क के बगल में एक एरो आप देख रहे हैं, यहां से इसकी ओरिजिनल एंट्रेंस हुआ करती थी, लेकिन अब वहां से क्योंकि बंद कर दिया गया तो विजिटर एंट्री जो प्रेजेंट है वो एक साइड से है। राइट साइड पे किसी जमाने में एक बिल्डिंग हुआ करती थी और पुराने कई रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र आया कि यहाँ पर एक पैलेस नुमा स्ट्रक्चर हुआ करता था छोटा सा, बट उसके कोई अवशेष कुछ अब नहीं पता। बगल में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो We don't know exactly वो क्या था कैसे था। 1926-1914 में जो फोटोग्राफ्स खींची गई, these are those photographs, जब बाउली में थोड़ा पानी था, लेकिन बाउली बहुत ही ज्यादा टूटी हुई थी और पीछे की तरफ बिल्कुल खुला मैदान था, तो कोई कनॉट प्लेस, स्टेट्समैन हाउस कुछ भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसके आगे चल के 1970 तक इसमें पानी भरा रहा है, उसके बाद आसपास डेवलपमेंट इतनी स्पीड से हुई कि सारा का सारा पानी खत्म हो गया। तो 1970s-80s की भी रघुराय जी की तस्वीर है जिसमें इसमें पानी नजर आता है बाउली में बिल्कुल ऊपर तक, इससे काफी ज्यादा लेवल पर। तो अब वो पानी जो है वो उसमें नहीं है, सूखी पड़ी है बाउली। 1923 और 1926 में डिस्टेंस से कुछ तस्वीर ली गई थी, ये पेड़ आज भी एग्जिस्ट करता है, ये मस्जिद आज भी ऐसे ही एग्जिस्ट करती है और अब ये बाउली है। इसमें बहुत ज्यादा जूम करने पर मुझे कुछ हिंट मिला, साइड में झोपड़ियों का कुछ ट्रेसेस मिले, बट ऑब्वियसली बहुत क्लियर नहीं है वो, और अब वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, अब तो प्रॉपर बिल्डिंग्स बन गई हैं आसपास। जो फर्स्ट फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज ऑफ दैट स्टेयरकेस जो ऊपर चढ़ती है, उसके साथ में वो बोर्ड जो बाहर लगा हुआ है, अग्रसेन की बावली। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज स्पेल्ड, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी से उग्रसेन या अग्रसेन तो महाराजा अग्रसेन का नाम हम लिखते हैं ए से, और ये अक्सर कहा जाता है कि ये जो बावली है ये अग्रसेन की बनाई हुई है, अग्रसेन की बनाई हुई नहीं है, ये बहुत बाद में बनी है और प्रोबेबली मे बी सम सेठ फ्रॉम अग्रवाल कम्युनिटी मस्ट हैव बिल्ट इट। पुराने जमाने में ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस थी कि जो लोग भी कोई स्ट्रक्चर बनाते थे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो वहां आसपास किस तरह के लोग रहते हैं आप उनके लिए एक रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बनवा देते थे। तो बहुत सारी मस्जिदें हैं जो हिंदू और सिखों ने बनवाई हैं, इसी तरीके से हमें मंदिरों का भी रेफरेंस मिलता है जिसमें मुस्लिम्स ने योगदान किया है, इवन औरंगजेब के टाइम पे भी रेफरेंस मिलता है, औरंगजेब ने खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था टेम्पल्स के लिए, और भी बहुत सारे राजाओं ने किया, अकबर ने गोल्डन टेम्पल या जो नैना देवी में छतर चढ़ाया तो उसके अपने कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, जैन मंदिर के लिए हैं, तो बहुत सारे मिलते हैं। तो मस्जिद बनाने से ये मतलब नहीं है कि ये बिल्डिंग किसी मुसलमान की बनाई हुई है, नाम से ये जरूर लगता है कि अग्रवाल समाज के किसी शख्स ने बनाई होगी। यू से क्यों लिखा गया, इस पर एक ऑलमोस्ट एक पूरा पेज मेरी किताब में सिर्फ इस एक अल्फाबेट के ऊपर है। तो मैंने अभी तक जितनी किताबें उर्दू की पढ़ी हैं उनमें सब जगह मुझे अलग अलग स्पेलिंग मिली है। इनफैक्ट वाक्यात दारुल हुकूमत दिल्ली जो बशीरुद्दीन अहमद की है उसमें तो एक ही चैप्टर जो अग्रसेन की बावली का चैप्टर है उसी चैप्टर में उसने जितनी बार अग्रसेन को रेफर किया है अलग अलग स्पेलिंग से किया है। तो कहीं पे वो अलिफ लगा रहे हैं, कहीं पे अलिफ के ऊपर जो है वो पेश लगा रहे हैं, कहीं जबर, तो
इग्रसेन उग्रसेन अलग अलग वेरिएशंस मुझे इसमें वो मिली हैं। तो ऊ की जो आवाज लिखनी होती है जब हमें जो अल्फाबेट लिखना होता है, क्योंकि उर्दू स्क्रिप्ट ही यूज हो रही थी, तो उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाउएवर एट द सेम टाइम यहाँ पर जो डायलेक्ट चलता है वो काफी हद तक पंजाबी से मैच करता है, और पंजाबी के अंदर हम महाराजा अग्रसेन को एक्चुअल में उग्रसेन ही बोलते हैं। इवन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी एक जगह पे रेफरेंस आता है, जब कलयुग के बारे में बात की जा रही है तो उसमें जो पूरा का पूरा श्लोक है वो कुछ ऐसे है कि सतयुग ते मान्यो छलियो बल बावन पायो, त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय पगताजन दियो। और फिर आगे कलयुग का जिक्र है। तो यहाँ पर द्वापर के वक्त कृष्ण के साथ जब उग्रसेन की बात आती है तो ऊ से लिखा गया है, तो हो सकता है कि यहाँ का जो लोकल डायलेक्ट हो उसमें अग्रसेन को उग्रसेन ही कहा जाता हो। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करके उसके मीनिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अग्रसेन का मतलब होगा अग्रसर, आगे बढ़ने वाला, उग्रसेन का मतलब होगा जो उग्र हो जाता है। तो नाम का मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट प्रोबेबली द डायलेक्ट हैज टू डू अ लॉट। और देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट ड्यूरिंग टाइम स्पेलिंग्स में कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी और ये नाम ऐसे पॉपुलर हो गया, और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में जो नाम जैसे चला आ रहा है वो लोग उन्हीं स्पेलिंग्स को उन्हीं नामों को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड वैसे ही लगाया गया है। बाहर आप मेन रोड पे आएंगे हेली रोड पे, तो जहां से हेली लेन स्टार्ट होती है वहां पे हेली लेन का बोर्ड है, और वहां जो अग्रसेन की बावली का बोर्ड है उसमें अ से लिख दिया गया है, उसमें ऊ से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो बोर्ड एनडीएमसी ने लगाया है ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कुछ और शॉट्स, एक पुरानी तस्वीर है लेफ्ट साइड पे जहां से वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है दीवार के अंदर अंदर से छत पर जाने के लिए, अब यहां पर दरवाजा लगा के उसको बंद कर दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड वाला जो शॉट है, ये टैंक में खड़े होकर छत का शॉट लिया गया है। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी फोटोग्राफी की है शायद ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल शॉट था। उसका रीजन ये था कि मैं सुबह सुबह पहुंचा था, ये शॉट मैंने लिया था 2019 जनवरी में। जब मैं पहुंचा सुबह सुबह तो जितने भी बैट्स हैं चमगादड़ हैं ये उनका आराम करने का सोने का टाइम है, तो वो लोग अपना घूम फिर के आए छत के साथ चिपके, और सोने से पहले ये सब लोग हल्के हो रहे थे। सो व्हेन आई एंटर्ड दैट एरिया बैट ड्रॉपिंग्स वर कमिंग एज रेनफॉल, और मुझे ये नहीं था कि मतलब ये नहीं पता था कि कब तक वहां पर वेट करनी पड़ेगी, क्या है ये पूरा सिलसिला कब तक चलेगा। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू गो इनसाइड एंड क्लिक फोटोग्राफ व्हाटएवर हैपेंस। सो मैं देख रहा हूँ ऊपर से पूरा वो गिर रहा है और बहुत ज्यादा तेज स्मेल आ रही है उसकी। आई जस्ट डिड माई कैमरा लाइक दिस, स्टेप्ड इनसाइड, टिक 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 तीन चार फोटोग्राफ्स खींची और बाहर आ गया। मेरा कैमरा गंदा हुआ, कपड़े गंदे हुए, और घर आके जो मैं नहाया हूँ और कैमरा मैंने अच्छे से धोया है मैं ही जानता हूँ। मेरे लिए वो बहुत ब्रेव चीज थी क्योंकि वो स्मेल बॉडी से काफी टाइम तक गई नहीं थी। इट वाज हॉरिबल, बट देन आई गॉट दिस शॉट एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। परहैप्स इफ समवन गोज एट अ डिफरेंट टाइम तो उनको वो सब नहीं झेलना पड़ेगा और ये शॉट बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सूखी हुई बावली नीचे तक तो आप जा ही सकते हो। और उसके बाद मैं पीछे से बीच में से निकल के पीछे कुएं तक भी गया और वहां से भी कुछ शॉट्स लिए। सो दिस इज दैट वन शॉट, इट्स इन द बुक आल्सो। हाँ, ये वो मस्जिद है जो पीछे की तरफ बनी हुई है, एक पोर्शन इसका टूट चुका है और मेडालियन इसके इसके जो पिलर्स हैं वो अब एग्जिस्ट करते हैं, पुराने तुगलकी आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देते हैं। एल्कोव्स बने हुए जिनमें दिए रखे जाते थे लिट अप करने के लिए जब इसको यूज किया जाता था। अब चलते हैं मुनीरका बावली की तरफ। इस बावली ने भी मुझे खूब परेशान किया शुरू शुरू में, क्योंकि जब मैंने मुनीरका बावली के बारे में पढ़ा कि मुनीरका में एक बावली है, तो मैं पहुंच गया मुनीरका इलाके में, घूमता रहा ढूंढता रहा, काफी ढूंढा, मुझे वो बावली नहीं मिली। और कितने लोगों से पूछा, कितनी किताबों को पढ़ा, जहां कहीं मुनीरका का रेफरेंस मिलता था मैं पढ़ना शुरू कर देता था, मुझे कुछ नहीं मिला। गूगल अर्थ से देख देख के एक एक गली कोना देख लिया, एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई हैड ऑलरेडी मेंशन कि अब ये बावली एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म हो चुकी है। देन वन डे आई फाउंड अ रिकॉर्ड व्हिच सेड कि मुनीरका का काफी हिस्सा काट के गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाने के लिए आरकेपुरम यानी कि रामकृष्णपुरम बनाया गया। सो दैट्स व्हेन आई वेंट टू आरकेपुरम।
और आरके पुरम में मुझे ये बावली मिल गई। तो मुनीर का बावली नाम आज भी वही चला जा रहा था गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, एएसआई के रिकॉर्ड्स में, बट अब वो आरके पुरम सेक्टर 5 में है। उसे वजीरपुर गुंबद कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, इट्स एएसआई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। इसका लेआउट कुछ ऐसा है, एक तरफ से एंट्री है, पीछे इसके कुआं है, साइड में टरेट्स हैं, बीच में टैंक है। बहुत छोटी सी कोजी सी बावली, इट इज नॉट दी स्मॉलेस्ट बावली, इससे छोटी बावली है हमारे पास, बट इसका पूरा का पूरा डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। टैंक और वेल के बीच में जो प्लेटफॉर्म है, राइट साइड पे फोटोग्राफ देख सकते हैं, उसमें आप बकायदा चल सकते हैं। साइड में दो टरेट्स हैं जिनमें वाइंडिंग स्टेयर केस है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, और जो इसमें कुआं है, कुएं के अंदर भी स्टेप्स बने हुए हैं, तो किसी टाइम पे शायद पानी और नीचे हो गया होगा, तो वहां से वो कुएं का इस्तेमाल, कुएं में भी इसमें भी एक कुआं है और उसके पीछे भी एक कुआं है, तो सामने जो टैंक है, टैंक वाला जो कुआं है उसमें भी स्टेप्स है, उससे आप और नीचे जा सकते हो, और इसके बाहर भी एक कुआं है, तो हो सकता है कि टाइम के साथ ही इतनी ज्यादा सूख गया हो, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया हो कि अब इस बावली को रिवाइव करना या इसको और फर्दर डेवलप करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने बाहर एक और कुआं खोद के वहां से पानी लेना शुरू कर दिया। इसमें स्टेप्स कुछ और आपको क्लियर नजर आ जाएंगे। एक ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट मिला जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फोटोग्राफ है, एक साइड में एक लंबा सा एक शाफ्ट टाइप बना हुआ है, एक्वाडक्ट टाइप, और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है। क्लोजली ऑब्जर्व करने पे इस पूरे स्ट्रक्चर को यह समझ में आया कि अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर वाली पिक्चर देखें तो उसमें जो सर्कल, जो कुएं का सर्कल है, और टॉप राइट कॉर्नर में भी, उसमें ऊपर आपको दो छोटे छोटे स्टोन के पीसेस बाहर को निकले हुए नजर आएंगे। ये टूटे हुए पीसेस हैं, इसके आगे एक्चुअल में बड़े पीसेस प्रॉपर हुआ करते थे जिसपे कभी लकड़ी का फ्रेम लगा होता होगा, तो लकड़ी के फ्रेम के ऊपर व्हील लगा हुआ है जिससे आप पुली से पानी फेच कर रहे हैं, और पानी फेच करके ऑल यू नीड टू डू इज कुएं की साइड पर फेंकना है। कुएं की जो साइड है वो टेपर है, पानी जैसे ही उस पर गिरता है वो ऑटोमेटिकली एक जगह इकट्ठा होके, जो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली पिक्चर में आपको एक लंबा सा चैनल नजर आ रहा है एक्वाडर, उसमें वो सारा पानी गिर जाता था और वो पानी पूरा का पूरा लॉन में आ जाता था। तो जिन लोगों को पानी चाहिए वो यहाँ पर क्यू अप कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी बाल्टियां रख सकते हैं, एक जाना वहां चढ़ के कुएं पे या दो जाने वहां चढ़ के बस पानी फेच करते रहेंगे और साइड पे डालते रहेंगे, या मे बी यू कैन इवन यूज अ पर्शियन व्हील, साइड में एक बैल या कोई जानवर बांध दिया, वो घूमता रहेगा, पुली सिस्टम से ये पानी चलता रहेगा, साइड पे गिरता रहेगा और इस नाले से वो बाहर बाल्टियों तक पहुंचता रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट हमें दिखता है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो सीढ़ियां हैं वो टरेट के अंदर की हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए जो साइड में दो छोटी छोटी मीनारें बनी हुई हैं उसके अंदर की सीढ़ियां हैं वो, और इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पर मैनेज किया गया था पानी फेच करके आसपास सप्लाई करने के लिए। मुनीर का गांव बहुत पुराना है, इसका बहुत जगह रेफरेंस आया है, तो जाहिर है ये घनी आबादी वाला गांव था, तो यहाँ की पानी की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी, और नियर बाय हमें और कोई बावली या कुएं का ज्यादा पता नहीं है, ना ही इसके आसपास कोई बहुत बड़ा तालाब है। नीला हॉज है दूसरी साइड पे, थोड़ा दूर है यहाँ से। सो दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स फॉर एंटायर विलेज, तो जाहिर है इसमें उन्होंने ये एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की अपनी सहूलत के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली की सबसे पुरानी बावली की। इसकी कहानी कुछ यूं है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जब दिल्ली आते हैं तो इल्तुतमिश उनको मेहरौली में कयाम करने को बोलता है, ये यहाँ के रहने लग जाते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, इल्तुतमिश उनका मुरीद है, उनसे अक्सर मिलता है। एक दिन जब इल्तुतमिश उनसे मिलने जाता है तो देखता है कि ख्वाजा काकी जो है वो एक ऐसी हालत में बैठे हुए हैं, उनके बाल जो है वो धोए नहीं है, उन्होंने नहाए नहीं है, वो तो कपड़े थोड़े गंदे हो चुके हैं, तो वो पूछता है कि ख्वाजा ये क्या। तो उनको पता चलता है अल्तमश को कि यहाँ पर जो है पीने के पानी की इतनी कमी है, नहाने के लिए तो कहाँ से ही वो लेंगे। हौज़े शमसी है, उस वक्त बन चुका था, नहीं बन चुका था, हमें एग्जैक्ट डेट तो उसकी नहीं पता, बट आसपास जो भी पानी के सोर्सेस थे उससे पीने का पानी बहुत मुश्किल से पूरा पड़ पाता था, नहाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इमीजिएटली व्हाट ही डज, उसके दरगाह का जो थोड़ा बहुत का इलाका था, जो लोग रहते थे खानकाह में, तो वो दरगाह तो जाहिर है बाद में बनी, खानकाह ही थी पहले, तो खानकाह से बिल्कुल बाहर जो खुला इलाका था, मैदान था, वहां पर उसने ये बावली खुदवानी शुरू की। कोई डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है, प्लेन सिंपल,
वॉल नीचे नीचे जाते जाते छोटी होती जाती है ताकि अंदर वो कलैप्स ना करे स्ट्रेंथ के लिए, और काफी गहराई पे जाके पानी मिला और पानी फेच करके वो जब देखा गया तो उसमें से गंधक की सल्फर की स्मेल आ रही थी। तो पता चला कि जमीन के नीचे कोई सल्फर रॉक थी जिसको इन्होंने पियर्स कर दिया है। अब सल्फर अगर पानी में आ गया तो आप ये पानी पी नहीं सकते हैं। तो जो एक रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ नहाने के लिए ही चाहिए, पीने के लिए तो चाहिए ही नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होगी। अब ये पानी पी नहीं सकते बिकॉज इट वुड हैव लैक्सेटिव इफेक्ट्स, लूज मोशन लग जाएंगे, लेकिन नहाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गंधक इन राइट क्वांटिटी स्किन के लिए इज परफेक्ट। तो इसको वैसे ही मिरेकल माना गया कि ये जो है वो ख्वाजा का एक और मिरेकल है, ये वैसा सा पानी निकला है। और अभी तक अब आजकल इसको बंद करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ लोगों के गिर के मरने से डेथ हो चुकी है, बट अभी भी पानी भरा हुआ है, लोग इसमें कूदते हैं नहाते हैं। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड पे इसका जो फ्रंट से देखने में कैसा दिखता है ये, और राइट साइड पे इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग है टॉप व्यू, जिसमें एक साइड पे आपको एक पूरा चैनल एक नाली नजर आएगी, और जहां पर मैंने प्रेजेंट एंट्री लिखा है उसके नीचे लिखा हुआ है साइड टैंक। इसको बरी कर दिया गया, भर दिया गया, सीमेंट डला हुआ इसमें, लेकिन कभी ये टैंक हुआ करता था और उसकी एक एक्वाडक्ट थी। तो जैसी मुनीरका बाउली में या वजीरपुर आरकेपुरम वाली बाउली में हमें दिखा कि साइड में एक एक्वाडक्ट बना दी गई, कुएं से पानी फेच करके उसी के साइड पे डाला और पानी अपने आप वहां से बाहर आ गया। इसमें भी वह सिस्टम था, कुएं के पास से स्लोप बनाई हुई थी कि पानी निकाल के कुएं की ही स्लोप पे डालते जाओ और वो अपने आप वहां जाके टैंक पे भर जाएगा और आने जाने वाले लोग जो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी ये बाउली जो है वो कुछ ऐसी नजर आती है, पानी भरा हुआ है। आजकल क्योंकि बंद है तो अंदर नहीं जा सकते, कुछ एक दो साल पहले की तस्वीरें हैं जब लोग इसमें खूब नहाया करते थे, और टॉप राइट कॉर्नर पे फोटोग्राफ और पहले की है जब ये सूखी हुआ करती थी। ये जो फोटोग्राफ है जिसमें वो एक्वाडक्ट और टैंक नजर आ रहा है, ये 1950 या 1960 में कभी ली गई होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का कॉपीराइट है इस फोटोग्राफ के ऊपर। और इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ मॉडर्न नहीं बने हुए, ये पुरानी बिल्डिंग्स ही हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इनमें से ज्यादातर जो है वो किसी ना किसी, कोई मदरसा बन चुका है, कोई कैसे ट्यूब में यूज हो रहा है, कोई ASI स्ट्रक्चर है, और बाकी मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क है इसके पीछे पूरा। इसमें वो टैंक नजर आ रहा है कि कैसे लोग आते थे और इस टैंक का इस्तेमाल किया करते थे उसमें जब पानी भरा होता था। और जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं यहाँ से आगे जाते हैं, राइट टर्न करेंगे तो बगल में खान का जो इस जमाने में तो दरगाह है, तो दरगाह बन चुकी है। पीछे कुएं पे आपको छोटी सी बाउंड्री नजर आएगी जिससे ये पता चलता है कि पानी उस पे गिरता था और उस बाउंड्री से साथ में फिल होके वो साइड में एक्वाडक्ट में आ जाता था, उस नाली के जरिए इस टैंक में वो पानी भर जाता था। सो दैट इज विजिबल इन दिस फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ मैंने क्लिक की थी 2010 में या 11 में, पहली वाली जो फोटोग्राफ है जब ये बिल्कुल खाली अंदर तक नजर आती थी। और जो साइड वाली फोटोग्राफ है राइट साइड की जिसमें एक्वाडक्ट नजर आ रही है, वो फोटोग्राफ मैंने क्लिक की थी 2018 के अंदर। अब बात करते हैं पुराने किले की। तो पुराने किले की बाउली का भी मुझे ज्यादा रेफरेंस कहीं मिला नहीं, और पुराने किले में बाउली है भी ये भी किसी को एक जमाने तक तो पता नहीं था, तो ज्यादातर रिकॉर्ड्स में किसी ने इसको मेंशन ही नहीं किया। हाँ, अंग्रेजों के दौर में इसका मेंशन आता है आगे चल के, और वो भी कैसे कि यहाँ पर एक गांव बसता था इंद्रपथ के नाम से, जब उस गांव को खाली कराया गया तो वो गांव का जो कूड़े का ढेर था, एक तरफ अपना पूरा कूड़ा फेंकते थे, उस कूड़े को जब खाली किया गया तो वो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, खाली होता जा रहा, करते 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 पता चला नीचे तो बहुत ही गहरी एक बावली है, काफी लंबी और काफी गहरी बावली है ये। इसमें भी टैंक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन अलग है थोड़ी सी, और पीछे की तरफ एक कुआं है। कुछ ऐसी सी दिखती है ये बावली, अभी ऊपर से फोटोग्राफ खींचने पर आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से भी पानी फेच किया जा रहा है, और आसपास जो लॉन है उसमें पानी सप्लाई किया जा रहा है। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो फोटोग्राफ आपको नजर आ रही है वो पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो पानी फेच करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने उसमें अपना पंप लगा रखा है। ये पंप हाउस है, बाहर DJ भी लिखा भी हुआ है दिल्ली जल बोर्ड ऊपर। पूरा पुराने स्टाइल से जैसे स्ट्रक्चर्स बनते थे इनके, तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर पंप के साथ, और यहाँ से वो पूरा पानी फेच करते हैं, टाइम टू टाइम मोटर चलाते हैं और सप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं राजों की बावली की। ये भी एक बहुत ही मशहूर बावली है दिल्ली की, और इसकी खास बात यह है
कि ये लोधी पीरियड में दौलत खान द्वारा बनाई गई थी। दौलत खान जो है ये लुधियाना में, और लुधियाना का जो एरिया था ये वहां का गवर्नर था, लुधियाना के आसपास के इलाके, और लुधियाना को एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन माना जाता था क्योंकि दिल्ली और लुधियाना के बीच में कोई भी और बहुत बड़ी नदी नहीं आती। सबसे बड़ी नदी एक ये आती थी, बाकी जो नदियां थी उनको पार करना फिर भी थोड़ा आसान था। यहाँ पर सतलुज है जो बहुत ही ज्यादा चौड़ी नदी हुआ करती थी, तो पंजाब की 5 नदियों में से आखिरी नदी थी ये। इसके बाद दिल्ली का जो मेन इलाका है वो शुरू हो जाता था, इसके दूसरी तरफ लाहौर तक, लाहौर का कंट्रोल आ जाता था। तो सरहंद में एक बड़ी कैंटोनमेंट थी और लुधियाना के अंदर फोर्ट वगैरह सब कुछ, सराय वगैरह सब कुछ बनाया गया था। लुधियाना वॉज द फर्स्ट डिफेंस फॉर दिल्ली और इन अदर वे लास्ट डिफेंस इफ समवन इज अटैकिंग फ्रॉम काबुल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस माना जाता था इसको। इसके बाद फिर और छोटी छोटी डिफेंसेस हुआ करती थी, बट यहाँ पर बहुत प्रेशर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखा जाता था। तो दौलत खान वॉज अ पावरफुल पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नोबल्स एट दैट टाइम, और इसको खबर मिलती है कि अब जो लोधी बादशाह बना है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो वो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा है कि दौलत खान की पावर को रिड्यूस करके वो अपने बाकी लोगों को आगे लाए। सो व्हाट दौलत खान डिड टू प्रूव हिज माइट एंड टू शो हिज पावर, क्योंकि लोधी जो है वो आगरा से रूल कर रहे थे, तो ये दिल्ली आता है और दिल्ली में आके ये बावली और इसके आसपास के एरिया को डेवलप करता है दिखाने के लिए कि मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है, मैं अभी भी बहुत पावरफुल हूँ, एंड आई कैन टेक ओवर व्हेनेवर आई वांट टू। आर्किटेक्चरली कुछ इस तरह से दिखती है ये बावली। राइट साइड पे टॉप व्यू है जिसमें बावली है, बगल में एक मस्जिद है और टूम्ब है। इसमें भी कुआं अलग है, टैंक अलग है, साइड में चेंबर्स बने हुए हैं, और ये चेंबर्स बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड थे, अच्छे से बने हुए थे। पुरानी तस्वीरों में हमें दिखती है इसके 3 लेवल हमें नजर आते हैं, तो 1908 से लेकर 1923 तक की तस्वीरें हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में। ये सारी ASI फोटो आर्काइव से आई हुई है। सूखी हुई बावली कहीं दिखती है, कहीं हमें थोड़ा सा पानी दिखता है, बट 3 लेवल नजर आते हैं। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे इसमें 4 लेवल नजर आए थे। I'll show you that photograph also. अभी इसमें वापस पानी भर गया है तो 3 levels we can see. इसका जो नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पीपल कॉल इट राजों की बावली। माइंड इट, इट इज राजों की, ना कि राजाओं की, ना कि राज्यों की। तो ये किसी राजा की बनाई हुई या किसी राज्य के लिए बनाई हुई ऐसी नहीं है। राजे मींस राज मिस्त्री, ये मिस्त्रियों की बावली है, तो राज मिस्त्रियों द्वारा बनाई गई, ये सॉरी राज मिस्त्रियों द्वारा इस्तेमाल की गई बावली है, क्योंकि एक जमाने में इसमें राजे या राज मिस्त्री रहा करते थे। सर सैयद अहमद खान ने जो किताब लिखी है वाक्यात दारुल असारु सनादीद, उसमें एक हैंड इलस्ट्रेशन है जिसमें इसकी जो साइड वॉल है उसमें जो आप ओपन आर्चेस देख पा रहे हैं, इन आर्चेस को बंद किया गया है ईंटें लगा के, और इसके अंदर कमरे बने हुए हैं। तो कहते हैं कि इसके अंदर वो लोग रहा करते थे राजमिस्त्री, और हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट हर एक ने उनके बारे में मेंशन किया है। जो मस्जिद है वो किचन बनी हुई थी इनकी, और ये इनके कमरे थे। I'll show you some photographs from there as well. उससे पहले ये कुआं है, सेंटर में जो फोटोग्राफ है, फर्स्ट फोटोग्राफ है, कुएं के साइड में जो प्लेटफॉर्म है वहां से सीढ़ियों की तस्वीर। राइट साइड पे जो फोटोग्राफ है वो इसके साइड के जो कॉरिडोर्स हैं, जो रेजिडेंशियल चेंबर्स बना लिए थे राजमिस्त्रियों ने वो, और सेंटर में कुएं में अंदर से तस्वीर ली गई है ऊपर की, जिसमें जो आपको होल्स नजर आ रहे हैं, ब्रैकेट्स जो निकले हुए हैं, इनमें वुडन स्ट्रक्चर लगा के पूरा पुली सिस्टम लगा हुआ था पानी को फेच करने के लिए। ये तस्वीर है 2011 की, जब मैंने इसको पहली बार देखा था, जिसमें आप 4 मंजिलें काउंट कर पा रहे हो। 2017 में आप 3 मंजिलें देख पा रहे हो, और 2020 में इस साल जब मैंने इसकी तस्वीर ली जनवरी में, तो इसकी एक ही मंजिल ऊपर नजर आ रही है, पानी इतना भर चुका है। बगल में ख्वाजा कुतुब की जो दरगाह है वहां पर जब बावली को रिवाइव किया गया तो आसपास की बावलियों में भी पानी आ गया था, और उसके बाद फिर बारिश और कई वजहों से इसमें पानी भरता रहा, लेकिन पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो पानी अब काफी गंदा हो चुका है। सो दिस इज राजों की बावली। इसकी जो मॉस्क है उसमें जो काला रंग हमें नजर आता है, उसके लिए सर सैयद ये कहते हैं कि बशीरुद्दीन अहमद भी यही कह रहे हैं कि ये क्योंकि किचन थी, तो किचन में वो जो खाना बनाते थे उसके धुएं से ये मस्जिद काली पड़ गई, तो इसलिए अब ये काली है। सो दिस इज द मॉस्क ऑन द साइड, और उसके बगल में दिस इज द टूम्ब ऑफ दरिया खान, द गाय हु बिल्ट दिस। अंदर
इसकी इंस्क्रिप्शन है, काफी पोर्शन इसका टूट चुका है बट अभी रिस्टोर कर दी गई है। सामने एक स्लैब लगी हुई है जिसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन आपको मेरी किताब में मिली जाएगी, यू कैन चेक दैट। उसपे डेट, बनाने वाले का नाम एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। सो ये एक 12 खंबा है छोटा सा, विच इज ऑल्सो द टूम ऑन द साइट ऑफ राजों की बावली। अब चलते हैं लोहार हेड़ी बावली की तरफ। ये द्वारका में एग्जिस्ट करती है, द्वारका सेक्टर 12 में, आजाद हिंद फौज मार्ग के ऊपर। बहुत ही छोटी सी बावली है और आज से 5-7 साल पहले तक तो कोई इसको जानता भी नहीं था, 7-8 साल पहले ही इसके बारे में ज्यादा पता चला है और उसके भी काफी बाद इसको रिस्टोर करना शुरू किया। कभी यहाँ पर लोहार हेड़ी गाँव हुआ करता था, इसके बगल में तेघानपुर, अंबरही और भी गांव है, अभी भी अंबर है तो अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसमें भी एक बावली का जिक्र आता है, लेकिन अब वो बावली हमें पता नहीं कहां पर है। आर्किटेक्चर ड्राइंग जो है इसकी कुछ ऐसी दिखती है। और जब मैं पहली बार यहां गया था तब ये बावली मुझे 2012-13 में ऐसी नजर आई थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बावली है। बगल में गंगोत्री अपार्टमेंट है तो उसकी दीवार बिल्कुल साथ टच करती है और उसके साथ लगी हुई ये स्ट्रक्चर है जो पूरा प्रॉपर कूड़ा घर बनी हुई थी। तो जब इसको रिवाइव किया गया, ये इकलौती बावली है जो ASI के अंदर नहीं आती, तो जो प्रोटेक्टेड बावली है उनमें से ये वाली ASI के अंदर नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, द ओनली बावली दैट फॉल्स अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। तो उन्होंने इंटेक्स से इसको रिस्टोर करवाया, अब ये बावली कुछ ऐसी नजर आती है। साइड में गंगोत्री अपार्टमेंट की दीवार और अपार्टमेंट अभी भी नजर आ रहे हैं हमें, इसको पूरी तरह से क्लीन करके अंदर तक इसको डेवलप कर लिया गया। सो दिस इज हाउ इट अपीयर्स नाउ। पीछे एक पोर्टा कैबिन है जहां पर एक केयर टेकर या गार्ड वो डेली आके इसको ओपन करता है, वो वहां पर बैठता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बावली, अरब सराय बावली। इसको मेहरबान आगा की मंडी की बावली भी कहा जाता है। दिखने में ये कुछ ऐसी है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, हुमायूं टूम के अंदर आती है ये। तो अगर आप लोग हुमायूं टूम गए हैं, चांसेस है कि आपने बावली नहीं देखी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इतना वेंचर आउट नहीं करते, सीधे मेन स्ट्रक्चर को देखकर वापस आ जाते हैं। अभी अभी इसको रिवाइव किया गया है, आगा खान फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है इस बावली की रिस्टोरेशन में। तो इसको जो है, जब मैंने ढूंढने की कोशिश की रिकॉर्ड्स में, तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में मुझे मिला मिहिर भानु, MIHIR BHANU, मीर भानु। तो मैंने मीर भानु की मंडी की बावली लिखकर पूरी अपनी किताब तैयार कर दी और जब ये किताब मैंने रिव्यू के लिए सुहेल हाशमी साहब को भेजी तो सुहेल सर कहते हैं ये मिहिर भानु नाम जो है ये कुछ जम नहीं रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, इसको दोबारा चेक करो क्योंकि मिहिर भानु डजंट मेक एनी सेंस। सो अगेन वी ऑल्सो नो रिकॉर्ड्स में कि मिहिर भानु जो है ही वॉज द नेम दैट वॉज मैंशन दैट ही वॉज अ यूनिक, वो एक ख्वाजा सरा थे जहांगीर के टाइम के। तो हाशमी साहब ने मुझे कहा कि जो ख्वाजा सरा हुआ करते थे, क्योंकि जेंडर का बहुत कंफ्यूजन चल रहा है और अंग्रेजों के दौर में एवरीथिंग हैज टू बी आइदर मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर का कोई रोल उनके टाइम पे नहीं रहा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिहिर बानो होगा जिसको मिहिर भानु गलती से लिख दिया गया है। तो आप चेक करिए ये क्या है। तो मैंने जाके और पुराने रिकॉर्ड छापने की कोशिश करी, पुराने रिकॉर्ड में मुझे इसका नाम मिला मेहरबान आगा। आगा इज मोर लाइक अ टाइटल आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे हम कहते हैं सर तो फारसी में आगा कह देते हैं, और मेहरबान नाम भी हो सकता है और रिस्पेक्टफुली दिया गया एक टाइटल भी हो सकता है। तो आई एम नॉट श्योर मेहरबान आगा इज एक्चुअल नेम या मेहरबान आगा सिंपली मींस एक हमारे ऊपर जो मेहरबान हुए अ सर हु इज ब्लेसिंग अस, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेहरबान आगा ने यहाँ पर एक मंडी बनवाई थी जिसके अंदर एक मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद के नीचे एक कुआं बनवाया था जिसके अंदर सीढ़ियां थी, विच ट्रांसलेट्स टू अ स्टेपवेल और अ बावली। तो मस्जिद तो अब नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन टॉप राइट कॉर्नर में जो फोटोग्राफ आपको नजर आ रही है, आर्चेस नजर आ रही हैं, उनको देखकर यह पता चलता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसका कुछ पोर्शन अब टूट चुका है और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक छोटी सी बिल्डिंग रही होगी। तो वो जो एस्टिमेट है जो मुझे एक दो और पुरानी किताबों में भी मिला, जफर हसन में भी और बशीरुद्दीन अहमद में भी, कि इसके ऊपर जरूर एक मस्जिद रही होगी और मस्जिद के नीचे सीढ़ीदार कुआं था जो इस्तेमाल में आता था, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। जब इसको रिवाइव किया गया तब इसमें भी वही चीज हमें मिली, साइडों से वाटर स्पाउट्स, पानी अंदर गिर रहा था,
क्योंकि साइड में वाटर लेवल थोड़ा ऊंचा था बारिश के टाइम पे और कुआं पूरा सुखा दिया गया था, तो इसमें भी डीसिल्टिंग के बाद वो सारे चैनल क्लियर कर दिए गए। हाफिज दाऊद की बावली, दिल्ली की आखिरी बावली, ये भी वही है जहां दिल्ली की पहली बावली है और उससे कुछ ही 100 मीटर दूर है। ये है दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदर उनके कंपाउंड में, जो पीछे की तरफ जो मेहमान खाना और जो ओपन कंपाउंड है, वो कंपाउंड एक्चुअल में इसी बावली की छत है। अंग्रेजों के दौर में बनाई गई, मुगल बादशाह अभी थे गद्दी पर लेकिन अंग्रेज ऑलमोस्ट कंट्रोल ले चुके थे, तो हम इसलिए अंग्रेजों का दौर बोल देते हैं उसको। इसके अंदर नीचे उतरना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमेशा बंद रखी जाती है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है, तो आप मैनेजर साहब या फजान साहब उनसे बात करके चाबी ले सकते हैं और नीचे जाकर देख सकते हैं। तो जब इसमें नीचे उतरना होता है तो पीछे की तरफ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में एक रो में सारी कब्रें हैं, उनमें से दो कब्रों के बीच में कब्र जितनी ही एक जगह ओपन है जो कि एक्चुअल में इसकी सीढ़ियां हैं। तो अगर कोई दूर से देख रहा होगा तो ऐसे लगेगा कि एक आदमी कब्र में उतरता हुआ जा रहा है, और व्हेन यू कम डाउन तो जो पहली फोटोग्राफ है वो दरवाजा खोलकर फोटो ली गई है, तो यहाँ पर आपको वो दरवाजा मिल जाता है। वो दरवाजा पार करने के बाद फर्दर और नीचे सीढ़ियां उतरती हैं दूसरे दरवाजे तक, दूसरा दरवाजा पार करने के बाद जो तीसरी तस्वीर है वो उसके आगे से फिर ली गई है जो नीचे पानी तक की सीढ़ियां उतरती हैं। तो काफी गहरा ये स्ट्रक्चर है विद 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर एक अगर अभी आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कूड़ा घर ही बना हुआ है, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पीछे कुछ पोर्शन है जो ओपन है, जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में फोटोग्राफ है वो ओपन पोर्शन आपको नजर आ रहा है। उसके तीन तरफ जो है वो मेहरौली में जो घर है वो है लोगों के, और ये लोग अपने घरों से जो कूड़ा है वो ऐसे उठाकर इधर की तरफ फेंक देते हैं। प्लस कभी जब कोई भंडारा या कोई लंगर वगैरह होता है तो ओपन कंपाउंड में जितने लोग खाना खाते हैं तो वो दीवार से उधर की तरफ टॉस कर देते हैं अपनी प्लेट्स, उनको नहीं पता दीवार के पीछे क्या है, उनको लगता है यहाँ पर फेंक सकते हैं, वो जितना वो फेंकते हैं वो सारा का सारा गंदगी जो है वो इसी में आती है। इसमें जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो अभी भी बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन अगर इसको सही से रिपेयर नहीं किया गया तो कुछ टाइम के बाद इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर की फोटोग्राफ देखें तो उसमें जो ऊपर टॉप पे बीम्स हैं वो हल्के से लिफ्ट गए हैं, उनमें सेंटर से वजन पड़ने की बजाय वो वजह से वो नीचे को झुक रहे हैं, तो अंग्रेजों के दौर के बीम्स लगे हुए हैं। अगर इनको टाइम पर रिपेयर और रिस्टोर नहीं किया गया तो किसी भी दिन पूरे की पूरी जो छत है वो केव इन हो सकती है, क्योंकि ऊपर हजारों लोग आकर बैठते हैं, जिसकी छत है उसकी उसकी कैपेसिटी काफी है, और जब उर्स होता है या कोई भी सेलिब्रेशन होती है या थर्सडेज को जैसे नॉर्मली काफी पब्लिक आती है तो उस टाइम पर यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है, और अगर कभी ये छत गिरती है तो ये हादसा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आज भी जो पानी है वो उसमें 40 फीट तक पानी है, तो 40 फीट पानी, उसके बाद 5-7 फीट और ऊपर एक छत का लेवल जहां से ये सारे पिलर्स लगे हुए हैं उससे 20-25 फीट ऊपर वो छत है, तो अगर ये सब कुछ केव इन करता है तो बहुत गहराई तक ये जाने वाला है। दिस इज अ पिलर आयरन गर्डर, ग्लासगो की स्टैंप लगी हुई 1898 की, जिससे पता चलता है कि ये कब बनी थी एग्जैक्टली। ये उस पीरियड का ही गर्डर नहीं है, शायद उसके कुछ टाइम बाद रिस्टोरेशन या कुछ और एडिशन के टाइम पे लगाया गया होगा, जस्ट अगेन अ गेस। एक और यहाँ के बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बावली में पूरी मिट्टी भरी हुई थी, तो जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, दिस इज नॉट अंडर ASI और दिल्ली गवर्नमेंट, दिस इज दरगाह कमेटी की प्रॉपर्टी है ये, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको रिवाइव करने का तो CPWD ने या जो भी PWD के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया कि आप इसको साफ कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ने आधा इसको साफ किया और उसके बाद जो मैनेजर साहब है फजान साहब उनको जाकर कहता कि आप पेपर पे साइन कर दीजिए, तो फजान साहब ने कहा कि आपने तो अभी थोड़ा सा ही साफ किया, इसको तो और गहराई तक साफ होना है और अभी इसमें से मलबा निकलना है, लेबर लगाइए आप। तो उसने क्या किया, उसने कुछ पैसे इनको दिए कि आप ये रखिए और साइन कर दीजिए। तो फजान साहब कहते ठीक है, उन्होंने जो इंजीनियर था PWD का उसको फोन लगाया, उसको बुलाया, कहते ये देखिए ये आदमी मुझे इतने पैसे दे रहा है साइन करने के लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, उसको झाड़ा गया, फिर इन्होंने क्या किया, फजान साहब ने ये कहा कि ठीक है तुम ज्यादा काम मत करो, तुमने जितने पैसे मुझे दिए हैं इतने पैसे में और कितना काम हो सकता है तो उतना कर दो। तो वो पैसे उन्होंने वापस दिए, उसने कहा कि ठीक है मैं इतने फीट और खुदाई कर सकता हूँ, 10-20 जो भी उसने बोला होगा। जब उतनी खुदाई की तो नीचे से पानी निकल आया, तो वो उतनी सी उनकी ईमानदारी के चलते यहाँ पर पानी वापस आ गया और आसपास का जो वाटर लेवल है उसमें काफी फर्क पड़ गया, वो सारी क्लीनिंग हो गई। लेकिन अगेन
he has been after government authorities, कितने उनके letters हैं, कितनी उनकी PILs हैं, मेरे पास भी उसकी कुछ copies पड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे time to time दी, उनसे मेरी काफी बातचीत होती रही, कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि government यहाँ से पानी pump out करके आसपास supply करे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है, और यहाँ से पानी बाहर निकालना उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि अगर पाइप डाले जाते हैं तो दरगाह के बीच बीच में से वो सारे पाइप निकाल के बाहर तक ले जाने पड़ेंगे, उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस है कि कहाँ खुदाई होगी, एरिया इतना कंजेस्टेड है कि वहां पर वो सारा काम कराना इतना ईजी नहीं है, पंपिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, क्लीनिंग के लिए एक छोटा सा जो वो बनाना पड़ेगा उनको, वो सेटअप कहाँ लगेगा, आसपास तो जगह ही नहीं है, तो कितनी दूर पहले पाइप से पानी ले जाना होगा जिसके लिए फिर वही सारी सड़कों को खोदा जाए, तो चैलेंजेस हैं, शायद इस वजह से भी डिले हो रहा हो, बट अगेन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अभी तक किसी ने वो विल ही नहीं शो की है दरगाह के बाहर से गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। एक दो और बाउलीज का जिक्र करता हूं मैं वेरी क्विकली, तुगलकाबाद के अंदर दो बाउलियां एग्जिस्ट करती हैं, रेफरेंस तो ये मिला है कि दर्जन से ऊपर बाउलियां हुआ करती थी, पर वो कहां कहां थी अब वो नहीं पता, दो हमें दिखती हैं, एक काफी अच्छी क्लीन शेप में है, लेफ्ट साइड में जो है जो सिटेडल में है उसकी हालत काफी खराब है, वो काफी हद तक कोलैप्स भी कर चुकी है, तो दो बाउलियां तुगलकाबाद किले के अंदर ग्यासुद्दीन तुगलक के पीरियड की यानी कि अर्ली 14th सेंचुरी की एग्जिस्ट जरूर करती है, जिनमें की बहुत सारे लोगों ने यह भी कह दिया कि शायद ये बाउली नहीं है, ये वाटर का टैंक है जिसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है तो इसमें कितना भी गहरा चले जाए ये इतनी डेप्थ नहीं है कि ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच रही है, तो चांसेस है कि इसमें सिर्फ रेन वाटर ही स्टोर कर रहे थे, इसके बाहर एक लेक हुआ करती थी जिसकी वजह से ओवरऑल ग्राउंड वाटर वैसे भी हाई हुआ करता था, तो वहां से पानी किसी तरीके से चैनलाइज करके यहां लाते होंगे तो पता नहीं, इसका जो बेस है वो भी काफी रॉकी है, तो वहां से जमीन के नीचे से पानी आना थोड़ा मुश्किल तो है इस केस में, सो दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क इवन फॉर मी। मटिया महल में एक बाउली है, मटिया महल शाहजहानाबाद में, इसको बंजारों की बाउली कहा जाता है जो मुझे पुराने रिकॉर्ड्स मिले हैं, और दिस इज द बेस्ट व्यू दैट यू कैन गेट, दैट्स द ओनली व्यू यू कैन गेट, दिस इज नॉट अंडर गवर्नमेंट, ये हर तरफ से सील्ड है, लॉक्ड है, मैं जब पहली बार यहाँ गया था तो सुहेल हाशमी साहब के एक मित्र थे जिनको इसके बारे में पता था, वो हमें साथ लेके गए, ढूंढते ढूंढते हम ये पहुंचे, ये सुहेल साहब फोटो खींच रहे हैं बाउली की, तो इस विंडो में से ही आपको नजर आ सकता है, और एक छोटी सी विंडो है, आप ये इस पे लॉक लगा हुआ था जो दिल्ली जल बोर्ड ने लगा रखा है, लॉक खोलेंगे तो इसके अंदर वो रस्सी डाल के इसमें उतरते हैं, क्योंकि कुआं कुआं बचा है, साइड में सीढ़ियां जरूर है बट उसके ऊपर पूरी कॉलोनी बनी हुई है, और जो कुआं है उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, तो मटिया महल में एक मस्जिद है जिसके नीचे अभी ये स्ट्रक्चर है, इसमें पाइप डले हुए हैं जिससे पानी फेच करते हैं और पूरे इलाके को सप्लाई करते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द बाउलीज बट टोटली फॉरगॉटन, सील्ड एकदम से, कॉर्डन्ड ऑफ, ये भी अपने आप में एक लॉकडाउन में है पता नहीं कितने डेकेड से, सो दिस इज मटिया महल की बाउली या बंजारों की बाउली, एक पतली सी गली के अंदर जाके बस ये गेट नजर आता है हमको, जिसमें ग्रिल के टूटे होने की वजह से हम अंदर से ये एक तस्वीर ले पाए थे, और साइड में वो पाइप आपको नजर आ जाएंगे जिसके अंदर जाते हैं। एक बार क्विकली एक लिस्ट दिखा देता हूं मैं आपको बाउलीज की, सबसे पुरानी बाउली जो दिल्ली में है वो गंदक की बाउली है, उसके बाद पालम की बाउली बनी जिसका काफी रिकॉर्ड्स में जिक्र आया, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत प्रेशियस है, बलबन के टाइम पे कहा जाता है कि ये बनाई गई थी, और वहां पर पास में एक मॉस्क है जिसके थ्रू इसका हमें रेफरेंस मिलता है कि मॉस्क से इतनी दूर ये बाउली एग्जिस्ट करती है, बट अब वो मॉस्क है बट वो बाउली की जगह पे तो कॉलोनी बन चुकी है। अदचिनी की बाउली जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जो मदर है बीबी जुलेखा, उनकी ग्रेव के पीछे की तरफ एक बाउली है, वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। हजरत निजामुद्दीन की बाउली एग्जिस्ट करती है, तुगलकाबाद की दो बाउली एग्जिस्ट करती हैं, और भी हैं बट उनके रिकॉर्ड्स मुझे डिटेल में नहीं मिले हैं। फिरोजशाह कोटला और रिज की बाउली एग्जिस्ट करती है, लाल किले और अग्रसेन की बाउली भी एग्जिस्ट करती है, बंजारों की बाउली अगेन सपोज टू बी फ्रॉम तुगलक पीरियड एग्जिस्ट करती है, लेकिन टोटली लॉक्ड, कॉर्डन ऑफ, कोई एक्सेस नहीं है, जो मैंने लास्ट आपको दिखाई। इसके बाद मुरादाबाद पहाड़ी की बाउली वसंत विहार में, ये एग्जिस्ट तो करती है लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया प्राइवेट कंट्रोल में है, कसाई वाला गुम्बद कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसको, और वहां पर एक मदरसा चल रहा है, बहुत ही बड़े टूम्स हैं, और ये दिल्ली की सबसे बड़ी बाउली है ऐसा कहा जाता है कि साइज वाइज, बट क्योंकि मैं अभी तक इसको देख नहीं पाया, इसकी कोई रिकॉर्ड्स में मेरे पास मेजरमेंट्स कहीं नहीं है, तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता।
जो लोकल पीपल हु आर मैनेजिंग दिस एरिया वो गेट को बंद रखते हैं, वो अंदर घुसने नहीं देते हैं और बावली तक तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते, तो वहां जाना भी पॉसिबल नहीं है। पहाड़गंज में किला कदम शरीफ है जिसमें अब सिर्फ अंदर का कदम शरीफ बचा, बाहर की दीवार खत्म हो चुकी है, वहां एक बावली हुआ करती थी वो भी खत्म हो चुकी है। लाडो सराय की एक बावली का जिक्र आया, अहिंसा स्थल जो मेहरौली में है उसके बिल्कुल पीछे, बट मुझे ढूंढने पर वो बावली नहीं मिली। पुरानी एक फोटोग्राफ जरूर मिली है रतीश नंदा जी के किताब में जिसमें कुछ उसके स्टेप्स दिखते हैं, लेकिन कहाँ है वो बावली हमें नहीं पता। तालीमाबाद बावली, सो एक लंबे टाइम तक मैं सोच रहा था कि ये बावली खत्म हो चुकी है। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है तालीमाबाद में, जो कि जो जामिया मिलिया हमदर्द या बत्रा हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने रोड अंदर जाती है, उसमें काफी अंदर जाके जो इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जाके काफी पूछताछ की तो गार्ड्स ने मुझे अंदर तो नहीं जाने दिया, रेजिडेंशियल एजुकेशन सेटअप है ये, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई बावली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे एक फोटोग्राफ एक वीडियो दिखा जिसमें वहीं के स्कूल के कॉलेज के कुछ बच्चों ने उस बावली का एक वीडियो बना रखा है, तो उसके अंदर वो बावली अच्छे से मेंटेन्ड है, पानी नहीं है, सूखी भी है, रिस्टोर हो चुकी है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है बट इट एग्जिस्ट। अनफॉर्चुनेटली मुझे क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट करने पे मेल्स भी मैंने करी, फोन करके भी पता किया, गेट पर भी जाके पहुंच गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, सो मैं उसको देख नहीं पाया। काबुली वाला नाम से एक स्ट्रक्चर का जिक्र आता है मेहरौली में, लेकिन कहाँ है वो बावली अब हमें उसका भी पता नहीं। तेघानपुर जो है द्वारका सेक्टर 10 के आसपास, मेट्रो स्टेशन के आसपास एक कहीं होनी चाहिए बट अब वो खत्म हो चुकी है, वो भी बरेड है, प्रॉबेबली उसके ऊपर एक स्कूल बन चुका है। खरेड़ा की बावली जो है वो चोर मीनार के आसपास कहीं हौसखास एन्क्लेव में है, इस इलाके को पहले खरेड़ा कहा जाता था। और एक और मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था जिससे मुझे एक ये डाउट डेवलप हुआ कि जो कैलकुलेशन जफर हसन ने दी है अपनी किताब में उनमें जगह जगह सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, तो अगर मैं उन एरर्स को फैक्टर इन करूं तो खरेड़ा की जो लोकेशन बावली की वो चोर मीनार के पास दे रहा है, प्रॉबेबली वो चोर मीनार के उतनी पास नहीं है, वो वहां से थोड़ी और दूर है। वहां पर गुलमोहर पार्क के अंदर जो एक मस्जिद और मकबरा है गुल गार्डन के अंदर उसके आसपास वो कहीं होनी चाहिए। वहां से कैलकुलेट करते हैं तो वो NIFT का जो कैंपस है वो आता है, तो NIFT में जब मैं फर्स्ट टाइम गया पढ़ाने तो मैंने देखा कि वहां पर सेंटर में स्टेप्स है, बिल्कुल बावली जैसा ही एक स्ट्रक्चर है और वो लोग उसको कुंड बोलते हैं, बट ये है कि अब उसके अंदर मार्बल या स्टोन वगैरह लगा के बैडमिंटन का नेट लगा के कभी बैडमिंटन और कभी वहां पर बास्केटबॉल खेली जाती है, और उसके एक पोर्शन में रैंप बना के और साइड में कैम्फी थिएटर बना रखा है, बट वो नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरती हैं। मुझे नहीं पता कि वो वाकई वो बावली है कि नहीं है, क्योंकि जफर हसन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से तो चोर मीनार के पास होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं एरर्स को फैक्टर इन करूं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद 19th नंबर सुल्तानपुर बावली। सुल्तानपुर में जो फार्म हाउसेज हैं उनमें से एक फार्म हाउस है किसी मिनिस्टर का, उसके अंदर ये बावली एग्जिस्ट करती है, अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कुछ पुरानी तस्वीरें हमें मिल गई थी जिसमें कुछ एक इसके स्टेप्स नजर आ रहे थे, गहराई तक नहीं, तो रिस्टोर करने की जरूरत थी, बट अगर वहां पर फार्म हाउस बना हुआ है तो जाहिर है अब उन्होंने उसको भी कवर कर दिया होगा। ख्वाजा सारा बस्ती खां उसकी एक मस्जिद बावली और मकबरा डिफेंस कॉलोनी के अंदर है, पहले उसको रायपुर खुर्द कहा जाता था, तो डिफेंस कॉलोनी मस्जिद जिसको कहा जाता है आज की डेट में, उस वहीं पर बस्ती बावली हुआ करती थी, बावली को भर के ऊपर छत बना दिया, वो मॉस का कोर्टयार्ड बन चुका है। कोटला मुबारकपुर में भी एक बावली हुआ करती थी, जब आप बड़े खां छोटे खां से कोटला मुबारकपुर में एंटर करते हैं साउथ एक्स की तरफ, तो वहां पर एक प्रेस वाला बैठा हुआ है, तो उस प्रेस वाले के टेबल के नीचे देखिएगा जहां पर वो खड़ा होता है एक बकायदा एक रिम नजर आता है स्टोन्स का, जो कि बावली का जो कुआं है उसका रिम है, उसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है और आगे की तरफ तो घर बने हुए, बट उतनी की निशानी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। राजाओं की बावली मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। मुनीर का बावली का हमने जिक्र किया सेक्टर 5 आर के पुरम में। लोहार हेडी बावली आज भी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 12 में एग्जिस्ट करती है, वो भी हम देख चुके हैं। पुराने किले में भी बावली एग्जिस्ट करती है। खारी बावली बंद हो चुकी है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के पूरी की पूरी मार्केट आज की डेट में चल रही है। अरब सराय में जो बावली है वो हम देख ही चुके हैं। और औरंगजेब की बावली के नाम से एक बावली का जिक्र आता है, वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करती, जफर महल के आसपास कहीं होनी चाहिए थी। जो लोकेशन मुझे अंदाजे से मिली है उसके हिसाब से वहां पर एक हलवाई वाला बैठा हुआ है और
ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। खैरपुर की बावली की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है, लेकिन उसके ऊपर पूरा गार्डन बन चुका है लोधी गार्डन के नाम से, अब हम उसे जानते हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो जो उसमें मुगल एरा का मॉस्क है, रोज गार्डन है, उसके बिल्कुल बाहर वो बावली एग्जिस्ट करती है, उसको मे बी एक्सकेवेट करके फिर से रिवाइव किया जा सकता है। रायसेना हिल के पास हकीम जी की बावली हुआ करती थी, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अलीगंज जो अब जोर बाग है, वहां पर जीनत बेगम की एक बावली हुआ करती थी, उसकी भी प्रिसाइज लोकेशन हमें नहीं पता, वो भी खत्म हो चुकी है। और आखिरी जो बावली बनी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में, दाऊद हाफिज दाऊद ने जो बावली बनवाई मजलिस खाने के बगल में, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसकी फोटोग्राफ्स हम देख ही चुके हैं। सो ये हैं दिल्ली की बावलियां 32 जिनके मुझे रेफरेंस मिला। और एक और बावली के बारे में जिक्र मिला है जो कि सिलेक्ट सिटी वॉक के बिल्कुल पीछे है, बट अभी मैं उसको जाकर देख नहीं पाया हूँ। उसकी कहते हैं कि कुछ बाहर का एक पोर्शन, एक दो स्टेप्स ही अब नजर आते हैं और उसको थोड़ा सा भी और स्टडी करना है। तो जैसे ही मुझे उसकी कंफर्मेशन मिलती है लॉकडाउन के बाद, मैं कोशिश करूंगा जाके उसको ऑब्जर्व करूं, देखूं और उसके बारे में डिटेल्स ढूंढूं, तो मे बी आई कैन ऐड दैट ऑल्सो इन माई लिस्ट। सो थैंक यू, दीज वर बावलीज ऑफ दिल्ली एंड आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। Didn't any मतलब तोमर्स एंड चाहमनास बिल्ड एनी बावलीज इन दिल्ली? Actually, they only built tanks. So, जो बावली का आर्किटेक्चर अभी मैंने आपको दिखाया इन सारी स्लाइड में, ऐसा कुछ नहीं है। अनंग तार और सूरज कुंड, ये दो टैंक जरूर है उनके। सूरज कुंड अब टेक्निकली फरीदाबाद में चला जाता है तो मैं उसको काउंट नहीं करता, बट अनंग तार जरूर एग्जिस्ट करता है। काफी बुरी शेप में है, स्टेप्स नहीं मिले हैं हमें प्रॉपर सीढ़ियां नीचे तक जाने के लिए। तो उसको बावली की कैटेगरी में रखना है कि नहीं रखना, वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जिसकी वजह से मैं उसे ले नहीं पाया। हेलो, हाँ जी, माय क्वेश्चन इज लाइक व्हाटएवर आर्किटेक्चुरल ड्राइंग यू मैनेज टू यू नो गेट, दीज आर फ्रॉम एएसआई लाइब्रेरी और फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? कुछ एक मुझे एएसआई से मिली है, मुझे फिरोजशाह कोटला की सारी एएसआई से मिली है, बाकी की ड्राइंग्स जो है one of my colleagues Nupur, she did all that drawing. तो मुझे ये किताब लिखने में करीब 5 साल लगे हैं, जिसमें से 1 साल Nupur ने भी लगाया है when she was helping me, एक एक बावली पे हम जाते थे, पूरा उसकी photographs को भी collect करते थे, measurements लेके फिर उनकी drawings वो बनाती थी बैठ के। तो drawing सारी Nupur की बनी हुई है। So even that drawing on the this cover of the book is also done by Nupur? The illustration is by my father. Okay. He did that and he painted it. जो ये वाली illustration आप देख रहे हैं, ये painting, इसका भी इनफैक्ट एक contest हुआ था। I think I have those documents. Let me show you. Let me see if they are here. Yes. This that original painting that my so ये है at the same time my daughter also did parallel. तो ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि कौन बढ़िया पेंट करेगा। सो दीज वर द टू ऑप्शंस दैट आई हैड फॉर द कवर। वाओ, सच ब्यूटीफुल, यू नो, एक्चुअली आई वाज सरप्राइज बिकॉज़ व्हाट शी डिड, शी एक्चुअली टुक केयर ऑफ शैडो कहां से आ रही है, पानी कहां होगा, स्काई कहां होगा, वो कल बिकॉज़ नोबडी गिव एनी हिंट टू हर। दोनों ने अपना सो व्हाट वी डिड, हमने एक आउटलाइन तैयार की और आउटलाइन की एक-एक पेपर प्रिंट आउट दोनों ने पकड़ा, स्कैन करके फिर उसको and they started अलग अलग रूम में बैठ के अपना कलर करना। So that's how it came up. Interesting. We did a lot of experiments. ये फिरोजशाह कोटला को ट्राई किया कि अगर इसको बनाए, राजों की बावली है ये, इसको कलर करिए, सारे मेरे काम है। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए थे कि देखने के लिए कि कौन सा फिट बैठता है। ये निजामुद्दीन बावली का है, सो बैठ के कलर कर करके, this is again same my daughter वाला। So we did all this to see which one fits. Hello. Ji. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hi. Good afternoon. I remember you'd mentioned about the orientation of the Baolis one. So among these, which one is the odd one out, or what is the regular direction and orientation of the Baoli? Before you joined, we discussed that
और मेरी बुक में भी ओरिएंटेशन है एंड आई कैन सी इन द वीडियो यू आर आल्सो होल्डिंग द बुक सो फिरोशा कोटला पुराना किला और अग्रसेन की बावली इन तीनों में नॉर्थ की एक्सेस नहीं है इन तीनों में एक्सेस अलग डायरेक्शन से बट इन तीनों में टैंक के ऊपर छत है तो बाकी सारी बावलीज में टैंक के ऊपर छत नहीं है और जहां जहां छत नहीं है एक्सेस नॉर्थ से ही है तो दिस इज व्हाट वी फाउंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ सन दैट वी हैव डिस्कस्ड कि वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ से अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी तो जब प्रॉपर गर्मी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी अगर निकल रहा है तो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो गुजरात से निकल जाता है दिल्ली की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर सनरेज नहीं पड़ने वाली थोड़ी सी टेढ़ी होंगी तो जो टैंक है वो अगर साउथ की तरफ रखा जाएगा दीवार ऊंची रखी जाएगी तो टैंक के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी विच मीन्स पानी बॉयल नहीं होगा एवेपोरेट नहीं होगा ठंडा रहेगा ओके सो दैट इज फिरोशा कोटला अग्रसेन एंड पुराना किला अच्छा सो ऑल दीज आर एक्सेस फ्रॉम नॉर्थ नो दीज वंस इसमें पुराना किला और अग्रसेन जो है उसका एक्सेस साउथ या साउथ ईस्ट से है साउथ वेस्ट से सॉरी और फिरोशा कोटला में नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से है बाकी सबका नॉर्थ से है अच्छा दीज आर द ऑड वन आउट बाकी सबका नॉर्थ से है फिरोशा कोटला पुराना किला एंड अग्रसेन सो द इंटेंशन वाज टू कीप द वाटर कूल सो दैट डज नॉट इवेपोरेट यस Hello. Mm-hmm. So like the same question, like where I see these kind of drawings, orientation and other drawings basically with measurements that is done by Nupur. Yes. Ye sari illustration Nupur ki hai. Oh, very nice. Very nice. What is her full name? Nupur Bhatnagar. If you have the book, just open this I do not have right now I will get it soon so, now, like it's copyright page pe uh-huh. we got her name so it says text by Vikramjit drawings and illustration Nupur Bhatnagar cover illustration Gurdev Singh okay no I don't have your book right now but I feel that I'll get it now thank you you should yes yes of course I will thank you Where is the page which talks about this? I saw the reference page. I think rest is left. Where is it mentioned about the illustrator? कंटेंट्स के बिल्कुल साथ वाला पेज कॉपीराइट पेज इसको बोलते हैं अच्छा कॉपीराइट पेज ओके इसमें पुराने के लिए बावली की फोटोग्राफ है इस तरह Thank you for sharing this and I am really looking forward to more of these sessions. and yeah. Can you check chat? I have a question to you in the chat. Okay, sorry, I missed in the chat. So there is a question from Rajeshwar. Is there are Baolis in Gurgaon and nearby areas. Are you planning to cover them too? गुड़गांव में जो एक मेन है वो तो बादशाहपुर की बावली तो बहुत फेमस हो ही गई है अब उसको तोड़ने की कोशिश कर दे उसको रिवाइव कर लिया गया मतलब बचा लिया गया अभी टूटेगी नहीं वो आई एम प्लानिंग टू राइट एनीथिंग ऑन देम इमीडिएटली बिकॉज आई नो कि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है जो मैंने दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 सीरीज शुरू की है उसी में मुझे इतना टाइम लग जाएगा बट हाँ वंस आई एम डन विद दिस आई डोंट माइंड आई मीन आई कैन डेफिनेटली गेट इन टू दैट थोड़ी सर्च उस पर करनी पड़ेगी बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है क्योंकि बादशाहपुर बावली के लिए हम लोगों ने काफी सर्च की थी हमें कंटेंट मिला नहीं था तो लेट्स सी इफ आई एवर गेट चांस आई वुड लव टू डू इट थैंक यू सो दैट इज द एंड ऑफ आवर सेशन Yeah, if there are no more questions, we can end this session now. Thanks for joining. Thank you. And I'll see you next time with next session. I'll post the topic and time soon. Okay.
Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.